शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। लल्लू से मेरी बहन ने पल्लू बांधा, एक नंबर के उल्लू से घर वालों ने रिश्ता मांगा। हाय अब्बा, मेरी बेटी के बिना ये घर तो सुन्ना सुन्ना हो जाएगा। ओए, रोना धोना बस कर, बारात आ गई। अरे देखो देखो देखो, घोड़े ने दूल्हे पे टट्टी कर दी। जाओ जाओ जाओ, होस पाइप लाओ, दूल्हे का मुंह धुलाओ रे धुलाओ। दुल्हन के बाप ना लो तुम इतना टाइम, दहेज दो दहेज दो दहेज दो दहेज दो। समझी जी पहले मंडप पे तो आकर बैठो, लड़की लो लड़की लो पहले लड़की लो। शुभ घड़ी बीती जा रही है, कन्या को बुलाओ फेरे लगवाओ। शुभ घड़ी बीती जा रही है, मंडप पे नहीं आई, कहाँ है मेरी बेटी। दहेज में चली गई मेरी 10 पेटी, मेरी पगड़ी ना उछाल। ए मीना, चल अपने ससुराल। लुट गए जी, बर्बाद हो गए, कुड़ी भाग गई। ये बेइज्जती हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। चलो पुत्र, इस घर से कोई भी रिश्ता नहीं रखेंगे। आज एक बाप का सर शर्म से झुक गया, बाप का बेटी से रिश्ता टूट गया। भरी थाली को ठोकर मार दी। थैंक यू वेरी मच सर। मैं तुम्हारी तारीफ नहीं कर रहा हूं सर, हमने सोचा कि आप सोचते ज्यादा हो, काम नहीं करते हैं। हाँ,
तारीफ। हेलो चट्टोपाध्याय, हाँ मैं निकल रहा हूँ बस अभी। जी सर। क्या कर रहे हैं, इधर जोर जोर लगा ऐसे। हाँ ठीक है ओके बाय। काली बिल्ली, ये काली बिल्ली कोकिला, ये काली बिल्ली घर में गुड मॉर्निंग डैड। मेरा चौकटा हिल गया, इधर हाथ दे। ये होस पाइप का क्या हुआ? वो तो चोरी हो गया सर। और तुम कैसे बच गए? और ये BMW कहाँ से आई? डैड वो तो मैं लाया हूँ। 2 महीने पहले मैंने तुम्हें सुजुकी लेकर दिया, ये BMW का क्या मतलब? हाँ उसी को तो बेचकर मैंने ही खरीदी है, और एक्चुअली वो बाकी का पेमेंट मांग रहे हैं। ये क्या, देसी घी का इतना बड़ा बिल? म्यूनिसपैलिटी के पानी की तरह देसी घी इस्तेमाल हो रहा है। डैड वो प्लीज आप तुम चुप रहो, हर्षित चुप रहो। सुजुकी बेचकर खटारा BMW, वो भी सेकंड हैंड, महाराष्ट्र से कहो कल से खाना डालडा में बनेगा। लेकिन महाराज कह रहा था कि महाराज कहने वाला कौन है, कल से खाना डालडा में ही बनेगा। और डालडा में क्या नहीं बन सकता, पूरी पात्रा ढोकला वोकला सब कुछ तो बन सकता है। ओके सर। ये क्या है डैड, या मैं कार की बात कर रहा हूँ, आप डालडा लाला कर रहे हैं। बैसी जा, बैसी जा। अब मैं नहीं बैठूंगा, और अगर आपने मेरी बात नहीं सुनी और नहीं मानी तो क्या, मैं क्या क्या करेगा तू? हाँ मैं एक और कार खरीद लूंगा। और खरीदेगा? दबा दबा सर, दबाना भी नहीं आता। अब बाप नहीं श्राप है। श्राप? बाप को श्राप बोलता है? ठीक है एक दिन ऐसा श्राप दूंगा तू कार तो क्या साइकिल को तरसेगा, साइकिल को। ये मुंह क्या लटका लिया है? ले 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 लेना 1000 रुपया, तेरे अकाउंट में डाल दूंगा मैं। यू नो आपकी बहुत मेहरबानी कि आप 1000 रुपये डालेंगे मेरे अकाउंट में, और तो और नाश्ता भी डालना में बनेगा। लेकिन प्लीज आई कांट टॉलरेट दिस एनीमोर। व्हाट कांट यू टॉलरेट? हाँ इंडिया के सबसे बड़े स्टॉक ब्रोकर का बेटा, लेकिन क्या गैराज में गाड़ी का स्टॉक नहीं, वार्डरोब में कपड़ों का स्टॉक नहीं, बैंक अकाउंट में पैसों का स्टॉक नहीं। तेरे भेजे में अकल का स्टॉक नहीं? मैं जब तेरी उम्र का था ना, मेरे पैरों में रबड़ की चप्पल तक नहीं थी। 1967 में जब मैं राजकोट से आया था तो मेरे पास कुछ नहीं था। बस 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 प्लीज आप फ्लैशबैक में मत जाइए, मैं यहाँ से निकल जाता हूँ। ओके ये रखिए मोबाइल, ये रखिए क्रेडिट कार्ड, और ये क्रेडिट कार्ड भी। मैं खुद कमा के अपना पेट भर सकता हूँ। सिंह चना खाकर पेट भरेगा तो क्या हुआ? देखो बोलता है क्या हुआ। कंजूस मक्खी जूस। ए, कंजूस किसे बोलता है? कंजूस होने और पैसे की कदर करने वाले में जमीन आसमान का फर्क है। कौन समझाए इसका? देखो मैं समझाऊं? चुप। तो महाराज को समझाओ कि कल से खाना डालडा में बनेगा। ठीक है सर। ये क्या? मैडम ने दिया है। 9 लाख बिल है, बोला कि देने के लिए बोला है, पब्लिक का है। कोकिला निकालेगी मेरा दीवा। 9 लाख का ये नेकलेस खरीदने की क्या जरूरत थी? मैं नकली हीरे नहीं पहन सकती हूँ। तुम क्या अपने आप को उदयपुर की महारानी समझती हो? तुम्हें मालूम है 9 लाख में कितनी जीरो होती है? मुझे जीरो की नहीं, हीरो की गिनती में इंटरेस्ट है। ए, जोक मत मारो। कोकिला मैंने एक एक पाई जोड़कर अपनी छोटी सी दुनिया बनाई है, और तुम हीरो के हार खरीद खरीद कर इसे ढा देना चाहती हो। पिछले दिनों से जब से स्टॉक मार्केट ढीली पड़ी है, मैं पिछले साल की टाइट पतलून पहन रहा हूँ। तुम ये चाहते हो ना कि मैं हमेशा खूबसूरत लगूं? आफ्टर ऑल इस देश के थर्ड बिगेस्ट स्टॉक ब्रोकर की इकलौती बीवी हूँ मैं। थर्ड नहीं, सेकंड बिगेस्ट। लेकिन इस तरह तुम मेरा माल उड़ाती रही ना, सेकंड थर्ड तो क्या 20वां नंबर भी नहीं रहेगा मेरा। बोरियां भर के तेरे पास जेवरत पड़े हैं, इतना जेवर खरीदने की जरूरत क्या है तुम्हें? लेकिन वो तो पुराने हैं। ये हीरो के भी स्टाइल होते हैं जी। आजकल कट डिफरेंट है, बेल्जियम कट, बैगेट कट, प्रिंसेस कट, बहुत सारे। तूने मेरी जेब ही कट डाली है, अभी जाओ वापस करो इसे। और हाँ इधर से कुछ ले जाओ पुराने उठाकर, इसमें से कुछ नए हीरे ऑल्टरेशन करवा लेना। तुम चाहते हो कि पब्लिक के सामने मेरी नाक कट जाए? नहीं नहीं, तुम्हारी लंबी नाक है ना, इसे मत कटने देना। मेरी एक छोटी सी नाक है, इसे काट के मैं वापस करके आता हूँ। हार हार लेने से पहले तुम्हें मेरी लाश के ऊपर से गुजरना होगा। ये डायलॉग बाजी नहीं चाहिए, मुझे हार चाहिए। लाओ कहाँ है हार? खुल जा सिम सिम। अरे अली बाबा का खजाना। कोकी ये है ना वो हार? हाँ वही है। ये वो नहीं हो सकता। ये है? हाँ वही है। पागल बना रही है? वही है। ये क्या है? वो
वो तो नीलम का है। नीलम तुम्हारे साथ शॉपिंग के लिए जाती है? अरे बाबा विलंदी व्हाइट सफायर। जीती मैं हारा, भगवान के लिए बता दे कौन सा हार है। वो लोग बेवकूफ हैं जो तुम्हें स्मार्ट समझते हैं। बिल्कुल सही कह रही हो तुम। ठीक है हीरो का ना सही, ये नीलम ही लेकर मैं पैसे वसूल कर लूंगा। कोकी कहाँ जा रही? कोकी ए कोकी हार दे दो, छोड़ दो मुझे। कोकी दरवाजा खोलो। कोकी जलेबियां खाती रहती है, अजीरे पहनती है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सॉरी सर। मॉर्निंग कोकी। ऊपर जा रही है। कुकी झाड़ू और बाल्टी मारती है। कुकी, कुकी, कुकी कुकी लुका छिप्पी। दोपहर को लुका छिप्पी खेलती है मेरे साथ, रात को खेलूंगा तेरे साथ लुका छिप्पी। ये दे दे अभी, बिहार दे दे। कहाँ कहाँ जा रही है तू? कहाँ है कोकी? तमाशा बहुत हो चुका। लेकिन हसराली, ला नेकलेस दे दे मुझे। पपली ने कहा ना, उसने कहा नहीं वो मेरे लिए खास युगैने से मंगाया है। कोकी ये नेकलेस मैं युगंडा एक्सपोर्ट करके रहूंगा। लेकिन हसु डार्लिंग तुम समझते क्यों नहीं, हमें तो इसके लिए पैसे देने ही होंगे। नेकलेस देती है या नहीं? ये लो, eat it, चबा के खा लो। मैंने तुम्हारे जैसा कंजूस नहीं देखा। क्या कहा? कंजूस नहीं, मैं पैसे की वैल्यू जानता हूँ। मक्खी चूस तू मुझे कंजूस और मक्खी चूस कहती है? देख तू, देख ये मक्खी चूस क्या करता है। देख देख मेरी दरिया दिली देख। Absolute freedom. Pure freedom. To enjoy life. Jing jing, ka jing ka jing ka. Jing jing, ka jing ka jing ka. Jhume nache man ye mera, udo me panchi ki tarah. Mili hai azadi. Apni marzi ki malik me, paake rahungi manzil me. Me ab hu shehzadi. Na koi na छुका ना कोई है रोक टोक, कितना सुकून है जोश है जुनून है। ये ही आओ सुन लो रे, ये जमीन वो आसमां है मेरा रे। ये ही आओ सुन लो रे, ये जमीन वो आसमां है मेरा रे। झूमे नाचे मन ये मेरा, उड़ो मैं पंछी की तरह, मिली है आजादी। अपनी मर्जी के मालिक मैं, पाके रहूंगी मंजिल में, मैं अब हूँ शहजादी। जागी, चलना है आगे।
आगे आगे मिट्टी में छान तारे ओ नो जहां मेरी किस्मत में आज करवट ले जीने की मुझे नई हसरत दे हाँ मौज मस्ती में लुटाना हर ये जवानी के जलवे झूमे नाचे मन ये मेरा उड़ो में पंछी की तरह मिली है आजादी अपनी मर्जी की मालिक मैं पाके रहूंगी मंजिल में पीछे से रोकता है। बहुत हो गया साहब, मेरे बर्दाश्त के बाहर हो गया है। आपको पता है मेरे परदादा मौरवी के राजा क्या खासम खास बावर्ची थे। अच्छा जी। मैं भी शाही बावर्ची हूँ, कोई हाईवे के ढाबे का मामूली रसोईया नहीं। तो ठीक है, किसी शाही बावर्ची खाने में जाकर काम करो। यहाँ क्या कर रहे हो? आपने मुझे डालडा इस्तेमाल करने के लिए कहा। कोई गुनाह किया मैंने? मतलब मैं यहाँ बिल्कुल नहीं रह सकता। आप जैसे कंजूस मक्खी चूस आदमी के किचन में मैं एक सेकंड भी नहीं रह सकता, समझे? कोकी का निशाना चूक गया। ये बिजली मेरे सर पे फूटने वाली थी। मैं आपकी नौकरी छोड़ के जा रहा हूँ। सुन रहे हो? अब खुद को डालडा में फ्राई करो। मैं तो चला। अरे मेरे बाबूजी भाई, ये तुम्हें कहाँ से मिला? क्या प्रूफ है कि आपका है? हाँ हाँ मेरा है। अगर इसे मेरा सर फूट गया होता तो? नेकलेस से सर नहीं फूटते मैडम, नेकलेस से दिल टूटते हैं दिल। अरे लेकिन इसे मेरा इयररिंग तो टूट गया ना, और ये नेकलेस इतनी जोर से मेरे सर पे गिरा कि मैं डर के मारे गिर गई। एक काम करो, ये नेकलेस तुम ले जाओ। अपने आप को दानवीर करण के साथ ही औलाद समझते हो? क्या कहा? अरे मुझे क्यों थमा रहे हो तुम? ये मेरे लिए बेकार है, इसे ले जाओ, ले जाओ तुम। अरे ऐसे कैसे रख लूं? मुझे मालूम होना चाहिए ना है क्या ये? ये एक हार है और रबड़ का बना हुआ है। और कुछ जानना? हाँ जानना है। मुझ पर इतनी मेहरबानी क्यों? बस यूं ही मिला वजह। क्या आप मुझे 180 रुपए दे सकते हैं? वो किस लिए? आपने जो मेरा इयररिंग तोड़ा ये 180 रुपए का है, और मेरे कपड़े भी गंदे। वैसे अगर आपके पास 180 रुपए नहीं है तो? जोक ऑफ द डे, बेवकूफ लड़की, इस हार की कीमत जानते हो? लेकिन आपने तो इसे रस्ते का माल सस्ता कहकर फेंक दिया था। मैं घर से दुखी होकर निकला हूँ मेरी माँ, ऊपर से तुमने सवालों की बुछाड़ कर दी। देखो 180 रुपए ज्यादा नहीं है, पर मैं पैसों की कदर जानती हूँ। कदर? कदर कहा? वाह, काश मेरे घर वाले भी पैसे की कदर जानते। यंग लड़की, कितने की है तुम्हारी ये रिंग? 180 रुपए प्लस रिक्शा भाड़ा। ये रिक्शा कैसी रहेगी? मैं अनजान लोगों के साथ नहीं जाती। अब थोड़ी बहुत जान पहचान तो हो ही गई है, बाकी गाड़ी में कर लेंगे। आइए।
आइए आइए। यहाँ कहाँ ले आया? डरो नहीं मैडम, अंदर तो चलो आओ। ये कैसा लग रहा है? ये तो ऐसे लग रहा है जैसे कान में बाल्टी पहन रखी हो। सर वेरी ट्रेंडी डिजाइन, आज की नई डिजाइन में बहुत ही इसीलिए मुझे पसंद नहीं जी। ये क्या है? ये मिरर है सर। हाँ ये गुड गुड। नहीं अंदर नहीं जा सकते। हेलो कौन है इस तरह शोरूम के अंदर संभाल के प्यार से? एक मिनट, एक नजाकत से। जस्ट होल्ड ऑन। या बहुत महंगे हैं, दे आर वेरी नाइस। ओह इट लुक्स नाइस। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। ट्राई दिस, ट्राई ट्राई। या जरा प्यार से प्लीज, हैंडल विद केयर। चुप रहो यार, तुम बहुत बोलते हो। अरे गुड गुड। अब इसके साथ ये नेकलेस पहन कर देखो। अरे ये ओह माय गॉड परफेक्ट, कितना मैचिंग है। यस। अरे मेरा पर्स भूल गए। हाँ हाँ मेरा कार्ड है, ये लो। विजिटिंग कार्ड? एक मिनट, आप मेरे पुराने वाले इयररिंग्स किसी प्लास्टिक बैग में डाल देंगे प्लीज? प्लास्टिक की बैग? क्यों शर्मिंदा कर रही हैं आप? अरे हमारी कंपनी की गोल्ड बैग पर आपका नाम एंग्रेव करके आपके एड्रेस पे भिजवा दूंगा। बाय द वे आपका नाम पता है? मीना मधोक, यमुना नगर, बिल्डिंग नंबर 3। मीना मधोक, यमुना नगर, बिल्डिंग नंबर 3। अरे भाई कितनी देर बातें करते रहोगे, जल्दी करो मुझे ऑफिस जाना है। सॉरी सॉरी सॉरी, चलिए। क्या हुआ? क्या आज काली बिल्ली रास्ता काट गई सीढ़ियों से गिर गया मैं। ये झालरदार क्या है? क्या ये तो बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि टाई के साथ कोट पहन लो और नीचे फटी हुई लुंगी। ये आजकल का फैशन है? फैशन फैशन नहीं मैडम, देखो इतने अच्छे इयररिंग्स, इतना मैचिंग नेकलेस और ऊपर से ये फटे फटे कपड़े अच्छे नहीं लगते ना। नहीं नहीं अच्छे लगते। चलो मैं तुम्हें अच्छे अच्छे कपड़े लेकर देता हूँ और ये कोकी को बताता हूँ कि मैं कितना कंजूस और मक्खी चूस हूँ, इतना लंबा बिल दूंगा उसके हाथ में। जी आपने उनसे पैसे नहीं लिए और फिर भी आप इतने खुश हैं? अरे ये कार्ड देखा, ये कार्ड नहीं है, बैरर चेक है। नाम पढ़ा? हसमुख मेहता, स्टॉक ब्रोकर। अरे ये स्टॉक एक्सचेंज का बेताज बादशाह है। फाइनेंस मिनिस्टर भी बजट निकालने से पहले इनकी एडवाइस लेते हैं। अपनी नई महारानी के साथ हमारे प्लाजा में शॉपिंग करने आए थे। ये पॉपले प्लाजा का सारा माल उस नई महारानी को नहीं बेचाना तो ये पॉपले गोल्ड प्लाजा मैं तेरे नाम कर दूंगा। सच? सुनो, अच्छे कपड़े पहनना, ये फटे कपड़े तुम पर अच्छे नहीं लगते। कभी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बाय बाय, टेक केयर। अरे अरे आपने अपना नाम नहीं बताया। मर्सिडीज में आई है और वो भी एक सेठ जी के साथ में। अच्छा? और आप जानती हैं उसने मीना मधोक को किस भी किया, वो भी एकदम इंग्लिश फिल्म के स्टाइल में। मीना जरा अंदर आना, तो तेरे मामा तुझसे कुछ गाल करना चाहते हैं। पता है उस खूबसूरत लड़की के साथ कौन आया था मेरे प्लाजा में? कौन? हसमुख मेहता। क्या बात करते हो? हसमुख मेहता और उसकी खूबसूरत महारानी। कौन थी वो महारानी?
लगाना जोर का झटका धीरे से। बोलने बोलने। बताता हूँ लेकिन एक शर्त है, ये बात तू किसी को नहीं बताएगा। मैं जे नहीं कहूंगा। तेरी दुकान में यार वो हीरे बनने वाली जो सांप की ब्रेसलेट है ना, उसकी डिजाइन मिल जाए तो बात आगे बढ़े। भिजवाता है, भिजवाएगा तो सुन। नहीं नहीं मामा जी, मैं सच कह रही हूँ, वो तो मेरे सर पे गिरा था। वो बुड्ढा सर पे गिरा था? नहीं नहीं, ये नेकलेस। और ये इयररिंग? वो मेरे पुराने वाले टूट गए थे ना, तो उन्होंने नए खरीद के दिए। उन्होंने? उन्होंने किसने? उन्होंने जिसने मुझे यहाँ ड्रॉप किया। ओ, उस रईस ने? हाँ, जी वही बुजुर्ग ने। उस दानवीर महाराज का कुछ नाम तो होगा ना? जी नाम तो बताया नहीं उन्होंने। नाम नहीं बताया? नहीं। यूं ही हीरो का हार दे मारा जी, साथ में मैचिंग कान के इयररिंग भी दिला दिए, मर्सिडीज कार में यहाँ तक छोड़ा, ऊपर से नाम नहीं बताया। हाँ। तुम चाहती हो कि इस कहानी पर हम यकीन कर ले? मामा जी मैं मानती हूँ इस कहानी पर यकीन करना जरा मुश्किल है। जरा नहीं, बहुत ही मुश्किल है। हाँ, इससे मुश्किल काम कोई और हो ही नहीं सकता। कोई यूं ही हीरो का हार किसी पे? मामा जी ये हीरे नहीं नीलम है। मैं कहनी आजी पक्का हीरे दा हार है। हीरे नहीं है। है नहीं है। है नहीं है। एक मिनट, सानू कोई फर्क नहीं पैंदा कि ये हार हीरो का है या नहीं है, लेकिन तोड़ी ये कहानी पे हमें कोई भरोसा नहीं है। एक्चुअली मैंने ये नेकलेस अपनी सेविंग से खरीदा है। कहाँ से खरीदा? पॉपलिन सन्स। पॉपलिन सन्स जी। नहीं नहीं, ये तो सिर्फ 17,207 रुपए का है। हेलो पॉपलिन सन्स। हाँ भाई, आज सवेरे आपकी दुकान से कोई सफायर का नेकलेस बिका? अगर वो बिका है तो कितने? वहाँ तरह तरह के नेकलेस थे, अलग अलग कीमत के। और 17,207 रुपए भाई, यहाँ पे 1.5 लाख से नीचे का कोई सामान नहीं है। आपके वहाँ 1.5 लाख के नीचे कोई चीज ही नहीं है? थैंक यू जी। अब क्या बोलोगी मीना जी? मामा जी असल बस अब झूठ बोलने की कोशिश मत करो भाई। मेरी साड़ी गलती हो गई, शादी के मंडप से भागने वाली लड़की को असी सहारा दे दीता, अब कोई गलती नहीं होएगी। मैं जानती हूँ कि आप दोनों मुझे इस ऑफिस और इस घर से निकालना चाहते हैं। बोझ हूँ ना मैं आप दोनों पर। आप दोनों से लाख गुना अच्छा तो वो बुजुर्ग था जिसने मेरे लिए नेकलेस खरीदा और मुझे यहाँ तक लिफ्ट दी। आप दोनों में तो इंसानियत नाम की कोई चीज ही नहीं है। ए हंसी क्या बुढ़ी घोड़ी की तरह? पहले तो मेरे माँ बाप ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, अब तुम दोनों मेरी जान पे तुले हुए हो। याद रखना तुम्हारी मैगजीन की एक कॉपी भी नहीं बिकेगी। मुझे तो कहीं ना कहीं काम मिल जाएगा, तुम दोनों को कहीं झाड़ू लगाने को भी नसीब नहीं होगा। हाँ, हाँ, जवान है खूबसूरत है, काम तो तुझे 10 मिल जाएंगे, एक नहीं 50 आदमी मिल जाएंगे। हाय रब्बा मेरी भांजी और एक वैश्या। मैं कोई वैश्या वैश्या नहीं हूँ बुढ़ी कहीं की, मैं कोई चमेली वमेली नहीं हूँ। मैं तेरी आंखें लोच लूंगी, मैं तेरे दांत तोड़ दूंगी बुढ़ी काई की। गेट आउट। अरे क्या मैच था कल इंडिया गया है, सच्ची सचिन। अरे गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सर आप फॉर्म। सर मिसेज मेहता घर से निकल चुकी हैं। ठीक है। एक्चुअली सर मिसेज मेहता भावनगर जाने के लिए निकली हैं, अपने पेरेंट्स के घर। वो कह रही थी वो अपने मायके कुछ नहीं लेकर जा रही हैं एक्सेप्ट अंडरगार्मेंट्स, और वो ये भी कह रही थी कि उनके फादर उन्हें सब कुछ खरीद कर दे सकते हैं जो शायद आप भी नहीं। लास्ट लाइन काफी चिल्ला कर बोली थी। कोई बात नहीं, आज के अपॉइंटमेंट्स क्या है? सबसे पहले सर
वो रफसंजानी वेट कर रहा है। कौन रफसंजानी? मिस्टर अहमद रफसंजानी, होटल मालिक। पता नहीं कौन सी भाषा बोलता है, ना उसकी इंग्लिश समझ में आती है ना हिंदी। अहमद रफसंजानी, उसको तो अंदर भेज ही दो। यस सर। याली मदद, याली मदद, क्या हो गया, कुछ समझ नहीं। आप अंदर जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, आप बहुत हैंडसम हैं। मैं तो आ गया। वो देखो, वो आज पेमेंट ड्यू डेट है और हम भी वजूद है। वजूद नहीं, मौजूद, मौजूद। अगर चेक लेकर आए हो तो मुझसे मिलने क्यों चले हैं? मुझे ये कार्टून नेटवर्क देखने की आदत नहीं है। जाओ जाकर लोन डिपार्टमेंट जमा करवा दो इसे। हम सोचे पहले आपका थोड़े दर्पण करेंगे। दर्पण नहीं, दर्शन। ओके ओके, वो मैं तो आगा, वो आपका और हमारा दोस्ती एकदम पैक है, जय और वीरू के माफिक। लेकिन हमारा और वो लोन वाले का दुश्मनी वो एकदम वो ठाकुर और गैबर सिंह के माफिक। वो हमारा हाथ काट देंगे तो हम आपका साथ में हाथ कैसे हिलाएंगे, और अगर आपसे हाथ नहीं हिलाएंगे तो फिर दोस्ती। Shut up! तुम पेमेंट का चेक लाए हो या नहीं? चेक के पेमेंट तो हो जाएंगे। हम पहले आपको रिस्पेक्ट पे करेंगे। रिस्पेक्ट गई भाड़ में रफसंजानी। पहला कर्जा चुकाने के लिए तुम 3 साल लेट हुए, दूसरा कर्जा चुकाने के लिए तुम 2 साल लेट हुए, तीसरा कर्जा चुकाने के लिए तुम 1 साल लेट हुए। इसी तरह लेट होते रहना तो एक दिन तुम लेट रफसंजानी हो जाओगे, और तुम्हारी भाषा में मरहूम रफसंजानी। बाबा हम लेट हो जाएंगे चलेंगे, लेकिन हमारे होटल लेट हो जाएंगे वो बिल्कुल नहीं चलेंगे। हमारा होटल आपको मालूम, वो फैंटेबुलस है। फैंटेबुल क्या? देखो ना, वो हमारा होटल में खाना बेस्ट, चलो कबाब बेस्ट, कुकू बैंगन बेस्टेस्ट, वो कैप्सी एंड सी कैवियर बेटर देन बेस्टेस्ट, और साथ में हम देते हैं वो फ्राइड आइसक्रीम विद फालूदा, वो फिर भी हमारे होटल नहीं चलते। क्यों नहीं चलते मालूम? इसलिए कि तुम बावर्ची ज्यादा हो, बिजनेसमैन बिल्कुल नहीं। ये होटल का बिजनेस छोड़ो, कहीं जाकर केटरिंग शुरू करो। कितना टाइम चाहिए तुम्हें कर्जा चुकाने के लिए? थैंक यू। वो हम 6 महीने में भर देंगे। नो, नेवर। 6 वीक्स? नो, 1 हफ्ता मिलेगा, सिर्फ 1 हफ्ता। वो 1 वीक, वो I'm very weak, 1 वीक नहीं। तो ठीक है, 1 हफ्ता भी नहीं मिलेगा, जाओ। ओके ओके, 1 वीक, 1 हफ्ता। ओ याली मदद मदद। ए, कहां भाग कर जा रहे हो तुम? ए आगा, अब 1 हफ्ता दिए, वो भागेंगे नहीं तो क्या चलेंगे? कहां फंस गया मैं? इतना शाइस्टेबुलस होटल कैसे फिलअप हो सकते? हे अहमद, 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 रुक रुक। तुझे पता है आज मेरी शॉप में कान की बालियां लेने के लिए कौन आया था? वो तुम्हारे यहाँ कान का बाली लेने कौन आया? उसने हमको क्या लेने देने? वो हमारे इतना बड़ा 5-स्टार होटल में कोई नहीं आते, उसका लेने देने। अरे बात सुनेगा तो कान फट जाएंगे तेरे। अरे बाबा, 1 हफ्ते के बाद में हमारे सब कुछ फटने वाले। कौन आया था जल्दी बोलो। बिग बुल। कौन? शेर बाजार का सांड मुर्गी के साथ। अरे बाबा, ये सांड, ये मुर्गी, ये कौन से डिश का बात करते हैं? अरे क्या बोली? वो सांड बाजार के शेर आए थे? हाँ, कब से वही तो भोके जा रहा हूँ, हसमुख मालपुए के साथ। मालपुआ? देसी घी में तला हुआ मालपुआ, ऊपर मलाई मार के। मैंने तुझे कुछ नहीं कहा, तूने कुछ नहीं सुना। गिर जाऊंगा। ओपी यार, तुम हमको ऐसा काड़ी दिए कि कल हमको फायर ब्रिगेड भी नहीं बुलाने पड़ेगी। गिर जाऊंगा मैं। I love you. सॉरी 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 इडियट। हाँ
सड़े तेल में तला है साला। फेंक का है कुदिया, तेरा बाप देसी घी में खिलवाता है का? मतलब कोई भी जॉब नहीं मिल सकती सर। और भाई ना तो तेरे पास एक्सपीरियंस है ना तो कोई डिग्री, सिफारिश भी तो नहीं है, समझो नौकरी भी नहीं है भाई। सर जिसे कोई काम ना आता हो उसे करने के लिए कुछ ना कुछ तो होगा ना सर। भाई एकदम भरा हुआ है, फुल है, देख लिया मैंने। अगर तू लड़की होता ना तो धंधे पे यानी के काम पे लगा देता। राइट सर। सर प्लीज कुछ कीजिए, मैं अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता हूँ। खड़ा हो तो खड़ा हो जाओ ना, मैं कहाँ ना बोलता हूँ, मगर इधर है ना, इधर मेरे सिर पे मत खड़ा हो, कितना काम है देखो। तो सर मैं आपका थोड़ा काम कर लूँ? अरे ओफा, क्या करने का तेरा? अच्छा बोल, इंग्लिश अंग्रेजी कुछ बोल लेता है क्या? यस यस सर, आई स्पीक गुड फ्लुएंट इंग्लिश। चलो एक काम करो, तुम बाहर निकलो यहाँ से, हाँ और सीधा जाके लेफ्ट, फिर राइट, राइट के बाद स्ट्रेट, वहाँ मैकडॉनल्ड मिलेगा, वहाँ पे ना तेरे जैसे अंग्रेज बेवकूफ को कोई ना कोई काम मिल जाएगा, जा। ओके चल, थैंक यू, जा। सुनो, यस सर, बाल तेल तेल लगा, सेटिंग कर, हाँ। थैंक यू सर। इलेक्ट्रिक शॉक वाले बाल लेके घूमते रहते। ए चगान, रोज सगाई वाला पाव जलेबी, हाँ माला स्प्रिंग डोसा गेहूं गाढ़ा उस साला। अरे क्या पान भी, क्या है, जल्दी लाना, भूखा मर रहा हूँ ना, काम ही करने का पूरा दिन। मैम साहब ने बोला है कि तुम्हारे को अंदर नहीं आने का। मैम साहब को बोलना कि मैंने तुम्हें मारा, तुम्हारा हाथ पैर बांधा और घर में जबरदस्ती लेकर आई। बात तो सुनो, मैम साहब काम से निकाल देगा। अरे बेबी काय करते तेरे बाबा तू। अगर तुम घर में घुसने में कामयाब हो चुकी हो तो हमारे आने से पहले बोरिया बिस्तर बांधकर निकल जाना। मीना दरवाजा खोल। मीना मेरी गल ध्यान नाल सुन, अगर एक घंटे के अंदर तू यहाँ से नहीं गई ना तो मैं ये दरवाजा तोड़वा कर तुझे बाहर फिकवा दूंगी। चिट्ठी है किसी रफ्तंजानी होटल से। आप मुझे फौरन मिलिए, इसमें आपका फायदा है। अहमद रफ्तंजानी, रफ्तंजानी होटल। या अली मदद, या अली मदद, लिंगम लिंगम क्या बोलेंगे, एक हफ्ते में हम क्या कर सकते हैं? क्या बात करते हैं सर, क्या बात करते हैं, एक दिन में 5.2 लाख बच्चा पैदा होता है, दैट मींस एक हफ्ते में 36.7 लाख बच्चा पैदा होता है सर, और आप बोलते कुछ नहीं होता सर। लिंगम तुम हमारे भेजे के पनीर मत करो यार। पनीर नहीं सर, दही। देखो देखो लिंगम, अगर तुम इतना होशियार है तो जाओ ताज हयात मेरिडियन को बैन से उड़ाओ, नहीं तो वो बुल हमारे होटल में बुलडोजर चले देंगे। याली, वो लिंगम, वो क्या 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 हुआ, जलजला हुआ? नो सर, रेगुलर बॉम्ब ब्लास्ट। रेगुलर बॉम्ब ब्लास्ट। गधे, कितनी बार बोले पीछे से नहीं आने के, आगे से आने के, के? सर कोई मीना मधु को आपसे मिलने आई है सर। मीना बंदूक, वो
और आप लड़की के चक्कर में वेरी बैड नॉट बैड वेरी गुड वेरी गुड मालूम वो लड़की नहीं है वो हमारे वास्ते बैर चेक है वो मालूम है वो मिस्टर मेहता का नया गर्लफ्रेंड है न्यू टीश जल्दी करो जल्दी करो क्या बात करते सर जल्दी करो सर क्या लाए तुम वो जिंदे आदमी के वास्ते फूल मांगे थे डालो इसको गटर में जाओ सॉरी सर लेकिन ये लड़की हमारा पहला और आखिरी चांस है विश मी लक ऑल द बेस्ट ओके मिस बैंडो सॉरी सॉरी मिस मधोक ओह यस यस ये लेटर आपने नो प्लीज 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 सिट थैंक यू आपसे मिलके हैम को बहुत खोजले हुए हैं अगर हैम से कोई गुस्ताखी हुए तो हमको साफ कर देंगे पहले ही इट्स ओके सर खूब खैली खूब वो हैम आपके बारे में जो सोचे आप उससे भी बहुत ज्यादा हैंडसम है थैंक यू सर ओह नो नो सिट 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 मैं नहीं जानती आपने मेरे बारे में क्या सुना है क्या लेकिन आपको जिसने भी बताया होगा ये जरूर बताया होगा कि मैं बहुत ईमानदार हूँ सिंसियर हूँ और किसी भी काम को छोटा नहीं समझती नाइस वेरी नाइस हैम को आपकी ये बात बहुत अच्छे लगे आप घुमाए फिराए के बात नहीं करते डायरेक्ट पॉइंट पे आते वेरी गुड आपको बोलते आप जो जगह पे आए हैं वो बहुत सही जगह है थैंक यू सर वैसे मुझे ज्यादा सवाल पूछने की आदत नहीं है जरूरत भी नहीं है वो हमारे होटल में आप सिर्फ ऑर्डर करो सिर्फ फोन उठाओ बटन दबाओ और कनेक्शन कनेक्शन के प्रॉब्लम है लेकिन वो क्या है कि आप हमारे होटल रफ्तंजानी में रहेंगे तो मुझे रहना पड़ेगा ऑफ कोर्स हम ये चाहते हैं कि आप हमारा होटल में रहेंगे यू नो हमारा होटल फैंटाबुलस फूड लवली एटमॉस्फेयर एम्बियंस बेस्ट टेस्ट आप आइए आइए देखिए मगर मैं क्यों देखूं? ओ प्लीज वेलकम थैंक यू वेलकम विद मी प्लीज प्लीज दिस वे वेलकम धीरे से प्लीज वेलकम इनकम इनकम प्लीज प्लीज आइए ये योर होटल दिस वे प्लीज ये आपके ब्यूटीफुल सुइट है माई बेडरूम क्यों आपको आराम नहीं मिलेगा हराम रिलैक्सेशन ओ आराम और ये 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 सीरी भी है वो आपके मर्जी का फोटो लगाने के लिए ये क्या है वेरी सिंपल ये ऊंट है हम दिखाएंगे स्टार्ट करेंगे और तेज हो गए गुस्से में आ गए हम रंग पहुंचल पागल हो गए वो ये तो घोड़े निकले धमाल मस्ती के लिए जोकिंग जोकिंग जगह तो अच्छी है पर समझ में नहीं आ रहा चलो माना कि ये जगह नौकरी के साथ मुझे फ्री मिल रही है पर आप मुझे पैसे कितने देने वाले हैं हम देंगे किस लिए आप ही तो चाहते हैं ना मैं आ रहा हूँ और आपके लिए काम करूँ एक एक मिनट आपको ऐसे नहीं लगते कि आप इधर रहेंगे तो पैसे आप देंगे पैसे मैं आपको दूं किस लिए किस लिए
कैसलिए ये पेंथाउस के लिए, ये बेडरूम का लिए, ये बैठक बनाए। एक मिनट, आप ये कमरा मुझे किराए पे देना चाहते हैं? एग्जैक्टली इसीलिए आपने मुझे यहाँ बुलाया है। यस। तो फिर जिस मीना की आपको तलाश है मैं वो नहीं हूँ। यू मीन हम गलतफहमी? जी हाँ गलतफहमी। एक मिनट, आप मीना माधव है? हाँ। आप उधर वो यमुना नगर में रहते हैं? हाँ। आप वो पोपली एंड सन्स में से कौन का बॉल लिए? हाँ। तो फिर आप वो ही मीना? मुझे नहीं लगता। यू नो हम चाहते हैं कि आप जैसा खूबसूरत फौरी खूबसूरत जगह में रहे। जगह तो अच्छी है। अरे ये तो दुनिया के आठवें अजूबे है, इतने अच्छे है देखो। वो तो ठीक है मगर आप समझ नहीं रहे हैं, इतनी महंगी जगह मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। आप कितने अफोर्ड कर सकते? अगर 700 मिल जाए तो। 700? यू मीन 1 2 3 4 5 6 7? गॉम्बे शो। वो भी ब्रेकफास्ट के साथ, एक अंडे का ऑमलेट चलेगा? एक अंडे, तीन अंडे, 700 रुपए, 700 रुपए, 700 रुपए में तो आप मेरे स्विमिंग पूल में उंगली भी नहीं डाल सकते मैडम। करेक्ट। तो मैं जाऊं अब? वेट मैडम, वेलकम, कम इन। 700 × 30 = एक मिनट मिस्टर अनबनफानी, 700 × 30 नहीं, 700 × 1, यानी कि एक महीने का किराया 700। मैडम आप तो मेरे दिवाले निकालेंगे ऐसे। wait, let me think. 700 is divided by 30 is equal to 23 रुपीस। 23 रुपीस में एक बिस्लेरी का बोतल नहीं आते हैं मैडम। तभी तो मैं आपसे कह रही हूँ कि मुझे जाने दीजिए। वेट प्लीज सीट, थैंक यू, वेलकम, सिट डाउन। ओके 700 रुपीज ए मंथ, अ गुड बार्गेन। लेकिन मेरी बात, ऊपर से रोज एक अंडे देंगे, दो अंडे देंगे, तुमको मुर्गी के अंडे देंगे, तुमको थाउस के अंडे देंगे, तुमको शतुरमुर्ग के अंडे देंगे, लेकिन इससे खेम मत करो। ओके अभी हम तरक भेज के तुम्हारे सामान मंगाएंगे। उसका खर्चा कौन देगा? उसका खर्चा भी हम देंगे। वो सब तो ठीक है लेकिन आप ये सब कुछ मेरे लिए क्यों कर रहे हैं? गुड क्वेश्चन। देखो मैडम, हमको गोल गोल घुमा घुमा के बात करने के आदत नहीं, यू नो हम चाहते कि आप मेरे एक काम करेंगे। कौन सा काम? ओ नेक्स्ट टाइम वो आप मिस्टर। कौन मिस्टर? वही फ्रेंड जिसके साथ आप घूमते फिरते इधर उधर जाते। आप प्लीज उसको बोलेंगे कि हमारा होटल वेरी गुड, एक्सेलेंट फूड, हाईली खूब एटमॉस्फेयर, आपको बहुत पसंद, आप ये होटल छोड़ के किधर नहीं जाएंगे। ओ अब समझी, तो आप इस होटल का बिजनेस बढ़ाने के लिए मेरी हेल्प चाहते हैं। Yes. तो आप चाहते हैं कि मैं आपके होटल की पब्लिसिटी करूं? पब्लिसिटी? अरे ये वर्ड ढूंढने में हमको 10 साल लगे। ये पीआर का जॉब तो मेरे लिए बहुत इजी है सर। I'll do my best, मिस्टर रन बन रफ सन यानी। ये चिकन और इस चिकन को करीब एक घंटे तक इस मैरिनेट में रहने दें, और अब ये जो प्याज है अच्छा लाल हो चुका है, इसके अंदर आप डालें लहसुन का पेस्ट और अदरक का पेस्ट, थोड़ा सा पानी। ये लीजिए हमने इसमें डाल दिए 2 कप सिरका, और इसको आप पकने देते हैं। 4-5 लौंग के दाने भी। मैंने यहाँ पर चिकन लिया है, चिकन डाल देता हूँ, लेकिन वो लोग जो वेजिटेरियन है। जो कुछ इस तरह से है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो प्याज है जल ना जाए। और अब
अगर मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो मान नहीं सकती कोई इतना भी खा सकता है। अरे ये मोटा इतना खाता है, उसके लिए तो दो हाथ भी कम पड़ते हैं। ए, हम शायद पहले मिल चुके हैं ना? I don't think so. मैंने वेटर की नौकरी पहले कभी की नहीं। I know, मैंने आपको कहीं पहले जरूर देखा। Anyway, आपने यहाँ का न्यू चाइनीज बर्गर ट्राई किया? फ्रेंच फ्राइज, स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम, सिर्फ 45 रुपीस वैल्यू में। Shut up. सॉरी, मुझे लगा था पार्ट ऑफ माय ड्यूटीज मुझे आपको सजेस्ट करना चाहिए। सजेशन देना ही है तो 45 रुपए कहाँ से लेके आऊं, उसका कुछ सॉलिड सजेशन दो। ये मुंह में पानी लाने वाले आइडियाज मत बताओ। यू मीन आपके पास पैसे? मेरा मतलब है आप सिर्फ 5 मिनट में जान, पेट पूजा करके आ रहा हूँ। ए डफर, हैंग कैसे कर देखो। हाँ सॉरी सॉरी। नहीं यार कोई नहीं है। तुम फिर आ गए? लिसन, व्हाट? तुम पार्सल विंडो के पास जाओ। पार्सल? मैं क्यों जाऊँ पार्सल विंडो के पास? तुम पार्सल विंडो के पास जाओ और मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं खुद चक्कर चलाता हूँ। ओके? चक्कर? कहीं हम दोनों फंस तो नहीं जाएंगे? कुछ नहीं होगा, जब मुझे पैसे मिलेंगे ना मैं वापस लौटा दूंगा, तुम मुझे बाद में दे देना। ओके? कब लौटाऊंगी? जब हम दोनों लंदन में मिलेंगे तब। मुझे इतनी भूख नहीं लगी कि मैं ऐसी गड़बड़ करूं। Don't be stupid, Chinese burger बहुत yummy, I'm telling you. लेकिन किसी ने हमें देख लिया तो? तो मैं कह दूंगा तुम्हारा कुछ बाकी था खाना और मैं पार्सल कराने गया। Come on, come on, get up, get up. चलो मैं पीछे से आता हूं। क्या है ये? चाइनीज बर्गर है। मैं अभी आता हूँ, आइसक्रीम लाता हूँ। नहीं नहीं सर, एक्चुअली वो कंप्यूटर काम नहीं कर रहा था। काम तो तुम भी नहीं कर रहे थे। चल हाथ मत लगाओ यार, छोड़ यार, हाथ लगाओ, ये पेट हवा से नहीं भरा हुआ है। मोटे तेरी तो अबे मोटे क्या कर रहा है? अबे मोटे क्या कर रहा है? अबे अबे मोटे मार डालेगा, पागल हो गया क्या? अबे मोटे तेरे को छोड़ूंगा नहीं, मैं छोड़ूंगा। तुम्हारी नौकरी तो चली गई अब। अरे छोड़ो ना, नौकरी रहती भी तो क्या फर्क पड़ता था, आई मीन कोई फ्यूचर तो था नहीं उसमें। सालों साल गधे की तरह काम करते रहो और फिर प्रमोशन मिले तो क्या, फ्रेंच फ्राइज तलो। फिर भी नौकरी नौकरी होती है, तुम्हारी कुछ सेविंग्स है कि नहीं? नहीं। फिर तो बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है तुम्हें। तुम्हें इतना भी नहीं मालूम कि कुछ पैसे सेव करके रखने चाहिए ताकि ऐसे बुरे वक्त में काम आ सके? तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम्हारे अकाउंट में काफी पैसे हैं। मेरी बात अलग है, यू नो। ओके। लड़कियों की मदद करने सब सामने आते हैं, मगर तुम्हें भूख लगेगी तो कोई आगे नहीं आने वाला। Until and unless he's gay. I'm straight, huh? I'm not gay. You're right. तुम रहते कहाँ हो? बस इधर ही, यहाँ कोने में। मतलब कि घर नहीं है? नहीं नहीं, घर है, लेकिन मैं घर से भागकर आया हूँ। रे,
अली। या। मैं भी घर से भाग के आई हूँ। कूल रॉकिंग। जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ चलोगे? क्यों, कर्ज उतरना चाहती हो? चलोगे या नहीं? तुम अकेली रहती हो या? बिल्कुल अकेली। मेरा डर तो नहीं लगेगा तुम्हें? Don't be smart. I can take care of myself. चलो होटल रफसंजानी चलते हैं। Come, let's go. होटल रफसंजानी? हाँ, that 5-star होटल। अगर तुम होटल रफसंजानी में रहती हो तो मैक्रॉन में क्या करी थी फिर? खा रही थी। Come, let's go. This is my bedroom. ये बार, ये formal, informal. And this is... ये फोटो लगाने के लिए। I'm really sorry. और ये है। मेरे सामान से इस रूम की शोभा कितनी बढ़ गई है ना। वाव। By the way, तुम्हारा नाम क्या है? हैरी। हैरी? नहीं नहीं, वैसे हरीश है, मुझे हैरी पसंद है। तुम्हारा नाम? मीना। और मुझे मीना ही पसंद है। ओके मीना, एक बार फिर बताओगी ये रफसंजानी क्यों चाहता है कि तुम यहाँ रहो? पब्लिसिटी, यू नो। आई डोंट बिलीव दिस। नाइदर डू आई। आई मीन, एक आदमी मुझसे मिलता है और कहता है जिसके साथ आप घूमती फिरती हो, शिट, उसने नाम लिया था किसी का। किसका? कोई मिस्टर मेहरा। मेहरा? ए, मैं मेहता हूँ। हाँ, उस रफ्तुन पानी ने मेहता ही बोला था। I'm sure मेहता बोला था। Hey, what a coincidence, मैं भी मेहता हूँ। कितने बॉक्स ले गए मेम साहब? 12 पेटियां, 17 सूटकेस, 4 जेवर के डब्बे और 1 छतरी। छतरी? छतरी किस लिए? मैं जाऊं सर? सब नौकरों को ले गई? खाली माली और ड्राइवर को छोड़कर, और जाते जाते माली को 2 हफ्ते की छुट्टी दे गई है। ये कोकी कोई मेरे पिछले और महाराज को तो जाना ही था। वो तो नवाब का वो है ना। मैं जाऊं साहब? हंसवाया कि नहीं? नहीं साहब। गधेड़ा। मैं जाऊं साहब? सब नौकर चले गए, बाबरची भी गया, कोई नौकर है नहीं घर पे। ये सब काम अब तुम कर सकोगे? नहीं सर, मैं सभी नौकरों का हेड सर्वेंट हूँ सर। हेड सर्वेंट हैं आप? तो हेड सर्वेंट इस घर में क्या करता है जी? सभी नौकरों पर नजर रखता है। आप इस घर में नौकर तो कोई बचा नहीं, नजर किस पे रखोगे? आप हो ना सर? यू शट अप। ओके, थैंक यू सर। आई मीन सॉरी सर। घुटन हो रही है इस घर में, कपड़े पैक करो। मेरे या आपके? मेरे गधेड़े, मेरे। ताज में जाकर रहूंगा। इस कोकी को पता चलेगा जब इतना लंबा बिल देखेगी। बिल वो क्या देखेगी? रफजन जानी के पास जाएंगे, उसे पैसा भी वसूल करूंगा, जी भर के खाऊंगा, और मुझे देखकर रफजन जानी की हालत खराब हो जाएगी। इसमें पानी कहाँ से आता है? छोड़ो, मैं देखता हूँ। क्या ये? हाँ, ये हो सकता है। पानी कहाँ से? हाय पोपली जी। नमस्ते मैडम, नमस्ते। कितने सारे गहने लेकर आया हूँ मैं आपके लिए। कितने भारी हैं, देखिए ना, इनका भार भी मुझसे उठा नहीं जाता। ये सारे आपके लिए बनाए हैं। मेरा बस चलता ना मैडम तो पूरी दुकान यहाँ लगा देता, बिछा देता सारे गहने। मैं इन सब का नहा रही थी आप? क्या बकवास करते तुम? क्या बकवास करते तुम? प्रिंट नहीं कर सकते? क्यों प्रिंट नहीं कर सकते तुम? पेरिस वाले मोर्देशोर हर बात में मिर्ची मसाले लगा के उसका नल्ली निहारी बनाते। खालिद, मेरे बात मानो, ये फैक्ट है, वो लड़की मेरे होटल रफसंजानी में है। वो मुझे नहीं पता तुम्हारे होटल में कौन ठहरा है। मुझे सिर्फ इतना पता है कि वो बूढ़ा लड़कियों के चक्कर में डायमंड नेकलेस नहीं खरीदता, और अगर वो खरीदता तो सबसे पहले मुझे पता होता। कैसा कुछ हुए? हम बोलते हैं वो लड़की इस होटल में है, और वो मेहता उसके वास्ते हार खरीदे है। तुमको कुछ नहीं मालूम है।
मेरे को नहीं मालूम। हाँ हाँ तुमको कुछ नहीं मालूम है खालिद, वो अपने आप को तुम बहुत बड़े राइटर समझते, किधर क्या लफड़े चलते तुमको कुछ नहीं मालूम। मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम है किधर क्या लेटेस्ट चलते हैं तुमको नहीं मालूम है। मेरे पास लेटेस्ट जानकारी नहीं है। अरे तुम बॉसी अखबार है जिसमें लोग भाइये लपेटते हैं संजय। अबे कीमा पाव के बच्चे, मैं तू मेरे को हाथ लगाए और रुस्तम ईरान को हाथ लगाए, तू मेरे गले बांध पकड़े, मैं मारेगा तेरे, टेबल पे लेटा के मारेंगे ये सर। मदर खावे बदल से, मैं बोले मेरा यकीन कह रहे हैं सर। क्या है सर? मिस्टर मेहता आया है। मिस्टर मेहता आए हैं क्यों? उसको वन रूम विद वन बाथरूम चाहिए सर। मेहता को वन रूम? ओ लिंगम लिंगम, मेरे जादू चल गए, मेरे जादू चल गए। सब ड्रामेबाजी करके मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। रिसेप्शन खाली पड़ा है, ये होटल कैसे चलेगा? मिस्टर मेहता रफ्तार चले। मिस्टर मेहता कमाल है, वो आप इधर आए, मेरे होटल के किस्मत हिल गए। मुझे एक रूम चाहिए बाथरूम के साथ। बाथरूम के साथ रूम चाहिए? वो इंपीरियल सुइट तो पहले से ही ऑक्यूपाई है, आप तो जानते हैं नेचुरली। इंपीरियल सुइट नहीं चाहिए मुझे। ओके लेगम। यस सर। रॉयल स्वीट का चाबी दो। रॉयल स्वीट भी नहीं चाहिए। ओके शाह ऑफ ईरान स्वीट का चाबी दो। शाह ऑफ ईरान स्वीट भी नहीं चाहिए मुझे, एक सिंगल बेडरूम बाथरूम के साथ चाहिए बस। सिंगल बेडरूम बाथरूम, लेकिन वो फिर फिफ्थ फ्लोर पे नहीं होएगा मिस्टर मेहता। ये फिफ्थ फ्लोर का क्या मतलब? फिफ्थ फ्लोर पे किस लिए? ओके यानी आप इंपीरियल स्वीट के बाजू में नहीं रहना चाहते? मुझे इंपीरियल स्वीट के पास किस लिए रहना है, मुझे रूम चाहिए एक सिंगल बाथरूम के साथ। पक्का खिलाड़ी है, एकदम पक्का। लिफ्ट पकड़ के ऊपर जाएगी, किसी को मालूम नहीं पड़ेगा। लिंगम इनको सिंगल रूम का चाहिए, वो भी बाथरूम के साथ। बाथरूम तो हम क्या चौपाटी जाते? चौपाटी जाते? सो जोकिंग। चाबी दो, योर की सर। लिंगम सब रूम के भाड़े 20% बना दो। ओके मिस्टर मेहता। सर अरे गोली मारो मदर टेरेसा की स्टोरी को, मेरे पास सबसे बड़ा स्कूप है। स्कूप? क्या स्कूप सर? क्या? अरे क्लिंटन और मोनिका से भी बड़ा स्कैंडल है अमेरिका में। अरे बाबा नहीं, इंडिया में। क्या, क्या, सर, क्या? मुंबई का सबसे बड़ा स्टॉक ब्रोकर। नहीं, आप ऐसी हेडलाइन डालो कि इंडिया का सबसे बड़ा फाइनेंसर और स्टॉक ब्रोकर एक हसीना की गिरफ्त में। हम कभी ख्वाब में नहीं सोचे थे आप इधर आएंगे। हमारे आने से तुम पे कोई लोड तो नहीं पड़ रहा? वो कैसे बात करते? यू आर द हेवीएस्ट पर्सनालिटी ऑन दिस। अच्छा अच्छे मिस्टर रफसंजानी, मैं आपको ही ढूंढ रही थी। मिस्टर दानवीर करण। अरे तुम यहाँ? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ओ वेरी गुड, आप एक दूसरे लोग को जानते हैं। तुम यहाँ कैसे, यहाँ रहती हो? जी हाँ, असल में मिस्टर सरफर अरजानी ने मुझे बहुत अच्छा डिस्काउंट दिया है, साथ में एक अंडा भी फ्री। अंडा फ्री? ये क्या सिस्टम है भाई, ये होटल चलाने का कोई नया तरीका सोच लिया? मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि क्या मुझे अपना ब्रेकफास्ट अभी मिल सकता है प्लीज? ब्रेकफास्ट इस वक्त? ये क्या हो गया तुम लोगों को? ये तो डिनर का वक्त है भाई। I know, लेकिन क्या है ना, मेरे डिस्काउंट में डिनर शामिल नहीं है। शामिल क्या? शामिल? वो आप कैसे बात करते? आप इतने बड़ा शेर को जानते हैं? आपसे बोलने के वो बी फॉर ब्रेकफास्ट, डी फॉर डिनर, एल फॉर लंच, वो हम आपको लाके देंगे। हे वेटर, इधर आओ फटाफट। थैंक यू सो मच मिस्टर राजदान। बोलो क्या खाएंगे? डिनर से पहले कुछ स्नैक्स लेंगे, और देवर ओ लॉबिस्टर फाइनेंसियर ओ ऑरेंज एवोकाडो सलाद। नहीं नहीं यार, ये अंडा बीटरूट और साथ में फ्रेंच ट्रफल जरूर लाना। वेरी गुड, और साथ में थोड़े वाइन, गोवा पोर्ट वाइन।
वेरी फाइन। अरे ऐसी फालतू वाइन क्यों सजेस्ट कर रहे हो? फ्रेंच वाइन जॉर्ज गुले 59। इतने महंगे वाइन? साथ में वो थीथर, गिनी फाउल, शैटरमर्क, साथ में पोर्ट सल्यूट चीज और कीवी फ्रूट लेमन आइस। आपको बहुत भूख लगे होगे नहीं? जी। कैम कैम बखार, हमेशा बखार। दरअसल। ओके सर। थैंक यू। एक्सक्यूज मी। आइए, आइए, आइए प्लीज। आगे इधर, इधर। सोचा भी नहीं था इतनी जल्दी मुलाकात हो जाएगी। मिलकर बहुत अच्छा लगा। थैंक्स। गुड नाइट। गुड नाइट। बाय। आ चलिए। आ मिस्टर असफल पानी। आपने जो भी डिशेस ऑर्डर की मेरी तो कुछ समझ में नहीं आई, पर आई एम श्योर टेस्टी होंगी। ओह वेरी टेस्टी एंड वेरी गरम। ओके गुड एंड टाइट, स्लीपलेस इन द नाइट। ओके आ आ इस तरफ, इस तरफ। ये जो लड़की थी इसका नाम क्या है? ये आप मेरे को पूछते? क्यों, यहाँ दूसरा तो कोई नहीं है। सॉरी सॉरी, उसका नाम है मीना बंदूक। मीना? एग्जैक्टली एग्जैक्टली। मैं कुछ नीना समझ रहा था। कितना पक्का कहला रही है, कितना पहुंचा हुआ आदमी है। मजा आ गया। I know. खाना तो वाकई में बहुत अच्छा था। वाकई it was excellent food. Excellent food. But you know, मुझे याद है हमारे घर में एक फ्रेंच कुक हुआ करता था। वो डैड के लिए नॉनवेज खाना पकाता था और महाराज मम्मी के लिए वेज। अच्छे लाउजी वेज फूड। यू नो सिर्फ वो एक फ्रेंच कुक ही था जिसके साथ डैड कंजूसी नहीं करते थे। वियर्ड। बहुत अमीर रहे होंगे उस वक्त, नहीं? हाँ होगा अमीर, लेकिन शायद उसे इंडिया रास नहीं आया। मेरे ख्याल से रोमेनिया बल्गेरिया चला गया होगा। एक्चुअली क्या है ना, मम्मी को ये पसंद नहीं था कि घर में नॉनवेज खाना पके। बेचारे डैड। मेरा मतलब तुम्हारे डैड से था। उनको गुजरे कितना वक्त हो गया। मैंने कब कहा गुजर गए? अरे जिस तरह से तुम उनकी बातें कर रहे थे मुझे लगा वो नहीं रहे। अरे किसी के बारे में बात करने के लिए उनका गुजर जाना जरूरी है क्या? अब जैसे तुम बेचारे बेचारे कहकर अपने डैडी के बारे में बोल रहे थे, मुझे लगा शायद तुम हमदर्दी हासिल करने के लिए ऐसा कर रहे हो। हमदर्दी हासिल करने के लिए? क्यों भाई, ऐसा मैं क्यों करूंगा। चलो जाने दो। तुम्हें वेटर के काम के अलावा और कुछ नहीं आता क्या? नहीं। भाई देखो, मैं तो सिर्फ टाइम पास करना चाहता हूँ। यू नो मेरा मिशन क्या है? कि मैं ज्यादा से ज्यादा टाइम कम से कम वक्त में पास करूं। जैसे कि मैं एक घंटे का वक्त 25 मिनट में पास करना चाहता हूँ। वैसे अब तक मेरा रिकॉर्ड 26 मिनट 35। लेट्स गो टू स्लीप नाउ। अच्छा हुआ कि तुम मैक्रोन में आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे भी। आई दूसरे कमरे में जाओ। हाँ? मैं कमरे का दरवाजा बंद कर रही हूँ। यस मिस्टर मेहता। वो वाइन भेज ही देना यार, जॉर्ज गुले 1959। ओके राइट अवे सर। वो बुल बहुत पैका है, पैका खेला रही है। जब वनु बिचारे माँ वड़ा माँ पानी आवे छे माँ। Thank you.
तुमने कोई बुरा सपना देखा क्या? बहुत हो गया, मैं जा रही हूँ। शादी से पहले शैंपेन भेजो मैग्नम साइज, यस, इमीडिएटली। सर,
वो फिफ्थ फ्लोर वाली आइटम है ना, उसके रूम में एक तगड़ा छावा है। चुप चुप, तुमको कौन बोले उधर जाके पैरागिरी करने को? देखो तुम उधर से दूर रहो, तुम कुछ नहीं देखे, तुम कुछ नहीं सुने, ओके? जाओ। किसने किसको क्या कहा, किसने सुना, किसने बोला क्या बोला, सबने सुना क्या सुना। किसने किसको क्या कहा, किसने सुना क्या सुना, किसने बोला क्या बोला, सबने सुना क्या सुना। किसने किसको क्या कहा, किसने सुना क्या सुना, किसने बोला क्या बोला, सपने सुना क्या सुना। बोलो 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 गॉसिप, गर्मा गरम गॉसिप, गॉसिप गर्मा गरम गॉसिप। वेलकम टू एसिड थिएटर। जैसे तैसे किसने किसको क्या लिया, किसने किसको क्या दिया, क्योंकि कैसे क्या हुआ, ऐसे वैसे जैसे तैसे किसने किसको क्या लिया, किसने किसको क्या दिया। बोलो 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 गॉसिप, गर्मा गरम गॉसिप, गॉसिप गर्मा गरम गॉसिप। मोबाइल कहाँ है? अरे ये मोबाइल कहाँ जा सकता है? यहाँ नहीं है, ये चोरी तो नहीं कहीं हाउसकीपर से पूछो। हेलो, फोन भी बंद है। बिल्कुल रफ्सन जानी, मेरा मोबाइल कहाँ गया? का हो भैया, बहुत डबल माल लोड कर रहा हूँ। कौनो गर्मा गर्म खबर है का? हाँ भाई, अरे याली ये बहुत गड़बड़ है। सुनो, सिर्फ ये पेपर डालो मेहता और मीना का रूम है, समझे? जाओ, उठो ना, उठो ना, चलो ना, उठो ना। होटल रफसंजानी में जाके डिंग डोंग करते हैं। मैं कहती हूँ रफसंजानी होटल चलते हैं। इट इज द हॉटेस्ट होटल इन टाउन। जल्दी जल्दी जोरमा करो। हाँ, पर जानी आ होटल में सू खराबी थे। ओ डार्लिंग, अब ये होटल फैशनेबल नहीं रहा, तुमने पता नहीं? कौन सा बड़ा शेर दलाल आजकल अपनी पत्नी को छोड़कर किसी अनजान हसीना के साथ होटल रफजानी में कबड्डी खेल रहा है। पर्दा उठ गया, भेद खुल गया। कुत्ते कमीने, मैं तेरा खून पी जाऊंगी, मैं तेरे टुकड़े 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 कर दूँगी, इस जवान लड़की के साथ इस जवान ले, मैं तेरे सिर फोड़ दूँगी। हे भगवान, श्री कृष्णा। क्या बोल रहे हैं यार? ये क्या टेलरिंग शॉप है क्या मैडम? हेलो, देखो मैं
मैडम, डबल लाइन है सर, एक करके आओ। हमको जो कमरा देंगे वही आपको लेने पड़ेंगे, ओके? नो 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 नो, आपको क्लाइंट का नाम नहीं बदल सकते। ये कोई चादर बदल होटल है। एक मिनट रुको, पेशेंस के नाम मीना बंदूक यार, किसी को बोलने के नहीं, ओके? यस मैडम, योर कीज। दिस मैन इज विथ यू। हेलो, एक्सक्यूज मी। यस, आपको रूम चाहिए 2000 रुपए में? ये कोई धर्मशाला है? आराम से, फाइव स्टार होटल है। हेलो, यस मैडम, बोलिए, आपको क्या बोलने का, जल्दी बोलो। मैं मिसेस हसमुख मेहता बोल रही हूँ, मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। यस देयर, चाबी उधर, उधर राइट हैंड साइड लिफ्ट है। हां, वन मिनट मैडम, ये होटल रसंजानी नहीं है, ये वो होटल राजधानी, राजधानी। हेलो, होटल रजनीगंधा नहीं है, रफसंजन नहीं है, अरे होटल नहीं है। ड्राइवर, एयरपोर्ट चलो जी, जल्दी। हेलो हेलो मीना जी, मैं मर्सिडीज बेंज कंपनी से आया हूँ, नीचे खड़ा हूँ आपके लिए गाड़ी लेके। एक्सक्यूज मी जी, मैंने तो कभी नहीं चलाई। मैडम आपने कोई गाड़ी नहीं चलाई अब तक? हाँ, मारुति 800 चलाई है। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं जानती हूँ दोनों में बहुत फर्क है। जी हाँ, फर्क तो है जी। मैडम मैं कह रहा था कि जी, मैं कह रहा था कि मैं टेस्ट ड्राइव के लिए छोड़ जाता हूँ गाड़ी। लेकिन आप ऐसा क्यों करेंगे? जी मैडम, लेकिन नहीं नहीं, मैं कह रहा था कि एक ड्राइवर छोड़ जाता हूँ साथ में। ठीक है, भेज दीजिए। हाँ जी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, थैंक यू मैडम, मैं एक की जगह दो ड्राइवर रख लूंगी। मैडम आप जितने दिन चाहे गाड़ी रख सकती हैं अपने पास। हाँ, मैं 3 महीने टेस्ट ड्राइव करूंगी। ओके, इट डजंट बॉदर मी। जी हाँ मैडम, एनी फेवरेट कलर आपको? कलर? हाँ जी, कोई पिंक। पिंक, लेकिन पिंक नहीं है हमारे पास। नहीं है जी? नहीं, तो कुछ भी चलेगा आयरन के। अच्छा मैडम, ओके बाय बाय। सुबह सुबह लड़ी है। हेलो हेलो मैडम, यस मैं चाय कंपनी से बोल रहा हूँ। हेलो, मैं ओम ज्वेलर्स से बोल रहा हूँ। देखिए ना, अगर मैं आपके गहने लेके भाग गई तो आपको कैसे पता कि मैं ऑनेस्ट हूँ? मेरे पास डायमंड नेकलेस ऑलरेडी है। देखिए, मैं अभी अभी उठी हूँ और मुझे नहाना है। मुझे पहले उठने तो दीजिए, मुझे नहाने तो दीजिए, मुझे ब्रश तो करने दीजिए। ऑलराइट ऑलराइट ऑलराइट। आपके लिए किसी ने फ्लावर भेजे हैं। ये क्या है? संभल के। ओह माय गॉड। ऑप्स। स्टॉप इट। पकड़ कर रखना, फोन वहां गिराना मत। मीना, तुम्हारा फोन है, कोई लड़की है। उनसे कहो कि मैं टेबल टेनिस खेल रही हूँ। अरे मैडम जी तो गुल्ली डंडा खेल रही है रबड़ी जी के साथ। ये मैडम जी ने फटका मारा, अरे अरे रबड़ी जी के सर पर तो गुल्ली लग गई। अरे तुम फोन वहां रखो, हमका तो डॉक्टर वहां को बुलाने जाना है। अरे रखो कहां ना। हेलो, ये स्वीट कैंसिल कर। अरे सर, आर यू श्योर ये होटल रफ्तानदानी है? तो क्या हम आपको हमारा और इस होटल का बर्थ सर्टिफिकेट देंगे तभी आप समझेंगे? कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। अरे करो मत दो। मिस्टर मेहता, मिस्टर मेहता, ओ मेहता आगा, मेहता आगा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग, अरे काफी रौनक है आज, बहुत चहल पहल है तुम्हारे होटल में। ये सब आप ही का कुर्बानी है। ए कुर्बानी नहीं, मेहरबानी। मिस्टर मेहता, उसके फोन आए थे। किसका? उसके उसके फोन आए थे पर हम कुछ नहीं बोले। किसकी बात कर रहे हो यार तुम? वो हमको पता था कि इधर तूफान आएगा,
इसलिए हम उसको चक्कर में डाले। हम आपके दोस्त, आप वीरू, हम जय। मिस्टर रफ्जनजानी, तुम्हारी भाषा ठीक नहीं है। मौजूद को तुम वजूद बोलते हो, मेहरबानी को कुर्बानी बोलते हो। मुझे चक्कर मत डाला करो यार, चक्कर आ जाता है, मुझे ऑफिस में काम करना। ओके ओके, हैव अ नाइस डे। खैली खूब, खैली खूब, कितने चालू आदमी है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आंख मार रहे ये रखो कंजूस साला। ए हसमुख, कैसे हैं? लगे रहो, मजा है। क्या हो गया मिनिस्टर को? मेंढक फार्म। मुर्गियों की बीमारी फैलने की वजह से चाइना में चिकन के बदले अब सारे डिशेस मेंढक की बनेंगे। छी, जैसे मेंढक मंचूरियन, मेंढक फ्राइड राइस, मेंढक चाव चाव। शट अप। लिसन लिसन, मेंढक एक्सपोर्ट करो, लाखों कमाओ। एक मिनट, एक और। एक खूबसूरत जवान विधवा को जरूरत है एक टैलेंटेड डॉग और हैंडसम कंपेनियन की, जो स्मार्ट भी होना चाहिए। आई एम नॉट फिट फॉर इट। But you are Harry, काले तो तुम हो ही। पर स्मार्ट नहीं हूँ ना। वो तो है हैरी, लेकिन क्या है ना कि भोंदू लोग भी स्मार्ट बन सकते हैं। बस थोड़ा सा वक्त लगता है। यू सी, जैसे कुत्ता लो। मैं क्यों कुत्ता लूँ? चलो बिल्ली ले लो। अब एक बिल्ली को स्मार्ट होने में पूरे 2 साल लगते हैं। 2 साल? 2.5। चलो हम 3 लगा कर चलते हैं। पर एक घोड़े को स्मार्ट होने में पूरे 10 साल लगते हैं। तुम्हारा मतलब मैं घोड़ा टाइप हूँ? जाने दो ना, वैसे मैं भी थोड़ी भोंदू टाइप हूँ। लेकिन बहुत स्वीट हो। रियली हैरी? यस। रियली हैरी? यस। ओह नो, अब कौन? आदित्य संगनेरे एंड कंपनी, स्टॉक ब्रोकर हूँ। ब्रांचेस ऑल ओवर द कंट्री। मुंबई में हेड ऑफिस है। एनुअल टर्नओवर 49 करोड़। कौन हो तुम? तुम्हारा जीनी हूँ। क्या क्या है कि बॉटल में उसने मुझे कैद कर दिया है और तुम ही हो जो मुझे बॉटल से निकालोगी। क्या बकवास है ये? बकवास नहीं है, तुम सिर्फ मुझे इतना बता देना कि स्टील के प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं या नीचे आ रहे हैं। मैं तुम्हें बहुत पैसा दूंगा। लेकिन मुझे क्या मालूम स्टील के प्राइसेस के बारे में? अरे तुम्हें नहीं मालूम होगा तो और किसको मालूम होगा? मैंने कहा ना मुझे नहीं पता। और अपना दिमाग इस्तेमाल करो, मेरा भेजा क्यों चाट रहे हो? अरे ये दिमाग इस्तेमाल करते करते ही तो मेरा दिवाला निकल गया है मेम साहब। तो मैं क्या करूं? इतना पता लगाओ कि स्टील का भाव ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, वो ही बताएगा तुम्हें। वो कौन? अरे वही तुम्हारा फ्रेंड। मेरा फ्रेंड? मेहता। वो तो यही है। क्या? वो यही है? हाँ, ब्रेकफास्ट कर रहा है, बुलाओ। नहीं 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 नहीं। उसे ये मत बताना कि मैं यहाँ छुपा हूँ। उसे मेरा नाम भी मत बताना, बस मैं यहाँ छुप जाऊँ। मुझे तो तुम्हारा नाम याद भी नहीं है। और स्टील के भाव के बारे में पूछना मत भूलना। ऊपर जाएगा या नीचे आएगा? मैं आपको 1000 बार बता चुकी हूँ कि उसे क्या पता स्टील के भाव के बारे में। अरे उसे हर कंपनी के शेयर्स के भाव के बारे में मालूम है। हा? मैं तुम्हें बहुत पैसा दूंगा, अब चुप जाता हूँ। हेलो हरी, भारी आदमी आया है, पूछ रहा है स्टील के भाव के बारे में। पूछ रहा है कि स्टील का भाव ऊपर जाएगा या नीचे। अरे गिर गया। तुम्हें कैसे मालूम? आ गया ऊपर। ऊपर क्या हैरी? टोस्ट टोस्ट। हैरी, मैं स्टील के बारे में बात कर रही हूँ, तुम टोस्टोस किए जा रहे हो। वो कह रहा है तुम जानते हो स्टील के भाव के बारे में। हाँ तो पता है ना, स्टील का भाव ऊपर जाएगा। वैसे तुम इतना स्टील के बारे में कैसे जानते हो? मैं नहीं, मेरे डैड जानते हैं। तुम्हारे डैड? क्या वो स्टील के बर्तन बेचते हैं? What do you mean स्टील के बर्तन? तुम्हें मालूम है मेरे डैड कौन है? हसमुख मेहता। बिग डील, बिग बुल। अरे वो जब रिंग में आते हैं ना तो पूरी रिंग हिल जाती है। अच्छा अच्छा, वो कुश्ती वाले, वो WWF में रेसलर है। WWF नहीं बाबा, शेयर बाजार वाले।
वो कह रहे थे कि स्टील और इस्पात को लेके कुछ क्या कह रहे थे लोहे और शिपमेंट कोयले का हैरी प्लीज वो स्टील के बारे में क्या कह रहे थे वो तो नीचे जाएगा ना उसका तो नीचे ही जाना चाहिए देखो ना मौसम को देखो डिप्रेसिंग वेदर सो डिप्रेसिंग ऐसे डिप्रेसिंग वेदर में मार्केट नीचे ही जाएगा अगर मौसम अच्छा होता तो मार्केट ऊपर सिंपल यानी कि स्टील नीचे जाएगा मार्केट और वेदर के बीच में एक बहुत अजीब रिश्ता है मौसम अच्छा मार्केट ऊपर मौसम बुरा मार्केट नीचे ये शो नो स्टील नीचे जाएगा नीचे जाएगा नीचे जाएगा ओके तुम कह रहे हो तो ठीक है हां मैं बोल देती हूं उसको हेलो वो कह रहा है कि भाव नीचे जाएगा अरे आपने मुझे ऊपर जाने से बचा लिया थैंक यू डाउन 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 स्टील का भाव गिर रहा है सवाल ही नहीं उठता स्टील का भाव हर हाल में उठेगा मैं कहता हूँ रेलवे एक्सपांशन के लिए इक्विपमेंट खरीदे जा रहे हैं बिल्ला की फैक्ट्री तीन तीन शिफ्ट काम कर रही है और टाटा वाले बहुत कुछ इसमें हमें बहुत बड़ा नुकसान होने का डर है यार समझ देखो मैंने रिस्क उठाया है ना तुम्हें अपना पार्टनर बनाकर ये रिस्क नहीं उठा सकूंगा लेकिन मेहता वो एक मिनट मेरी बात सुनो जब तक हम बड़ा दाव नहीं खेलेंगे पुराने घाटे पूरे नहीं होंगे और फिर 10 पॉइंट के उछाल की तो जरूरत है ओनली 10 पॉइंट्स वो तो है तो ये भी तो है और इसी वजह से स्टील के भाव में भारी गिरावट आने वाली है एंड यू मेक दैट बोल्ड हां अंडरलाइन करके तो आदित्य सांगनेरिया एंड कंपनी के क्लाइंट्स के लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है हमारे स्टील एक्सपोर्ट्स की एनालिसिस पर भरोसा रखिए और इस एडवांस इंफॉर्मेशन का फायदा उठाइए यू कैन मेक अ बिग फॉर्चून And write this in bold letters. Huh? Hello? जी मैं बोल रही हूँ दाल बाटी बनाओ दाल बाटी मारे नहीं खानी दाल बाटी स्टील स्टील हाँ 16.1 अरे पिग आयरन की डिमांड बढ़ रही है आयरन भी उठता जा रहा है That's great. दुनिया में सफेद कौवा मिल सकता है गाय का अंडा मिल सकता है मुर्गे का दूध मिल सकता है मगर अब स्टील नहीं मिलेगा स्टील गोइंग हाई ग्रेट कमाल मेहता उम्मीद है आप 200% श्योर है कि स्टील का भाव ऊपर जा रहा है लेकिन ऐसा ना हो कि हम 2000 करोड़ के खड्डे में उतर आए अरे गधेड़ा ये छोटी सी बात तो बच्चा भी समझ सकता है तुम्हें डर लग रहा है तो घर जाओ अपनी बीवी के पैर दबाओ शायद तुम्हें शक्ति आ जाए हे शंकर इस कागज की बत्ती बनाकर उसके हाथ में दे दो शायद वो भी रिलैक्स हो जाए जाओ सर उज़्बेकिस्तान का फाइनेंशियल डेलीगेशन आपके लिए वेट कर रहा है ये स्टील का भाव तो अभी भी कम है मार्केट से 1000 उठा ही लो 1000 स्टील और चट्टोपाध्याय से कहो आज दफ्तर में आए वो प्लीज कॉल मिस्टर चट्टोपाध्याय हियर लिली यस सर 5 और उठा लो और से कहो मार्केट पे नजर रखे 5 और उठा लो 10 और उठा लो और मार्केट पे नजर रखो मुझे तुमसे नहीं भाई कुमार मंगलम से बात करनी है ओके सर कनेक्ट कर हां क्या कह रहा था उसका नाम क्या था भोलू यस सर कोई बहुत जबरदस्त दाव खेल रहा है समझता है कि मैं उसकी चाल में आ जाऊंगा हेलो कुमार यार हां हेलो हां कुमार कैसे हैं हां मैं मेहता बोल रहा हूं हां वो मेरी तरफ से 50 लिख लीजिए 50 हां 50,000 ठीक है ये चट्टोपाध्याय कहाँ है सर वो सैलून में है जब देखो सैलून में बैठा रहता है जल्दी बुलाओ उस कामचोर को पूरी बाबा हम हमारा केश कटिंग करता था उसका बीच में हमको बुलाया की गोंडोगोल गोरा टीम गोली मारो तुम अपने बालों को वरना रिंग में जाओ और जितने तुम्हारे सर पर बाल है ना उतने स्टील के शेयर खरीद लो पूरी बाबा आज लगता है निकल पड़ी है 50 मोर फास्ट Buy 50 more, fast. हेलो पीछे हटो पीछे हटो हेलो 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 आज जो लोग यहां से हटा प्लीज प्लीज गो हेलो 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 कौन बोल रहा है हेलो
आपके आसपास कोई बैठा तो नहीं है ना? क्या? हम आपस में बात कर सकते हैं ना? हाँ, कर सकते हैं, बोलिए। गुड गुड गुड। वैसे हमने सिर्फ फोन इसलिए किया था कि आपको हम बता दें कि आपने अब तक सिर्फ 80। फोन पे बात चल रही है, फोन पे बात कर रही है, चुप रहो। कब? आप मुझे देना चाहते हैं? जी 8 के पीछे 60 जोड़ दीजिएगा आप। ये तो सिर्फ टोकन है मैडम। वैसे अगर आपको कुछ खबर मिलती रहे ना, जैसे एल्यूमिनियम के बारे में, टाटा बाटा, बस फोन कर दीजिएगा, बंदा हाजिर हो जाएगा आपकी सेवा में। ये काम ठीक है मेरे लिए। सुनो मीना, घर बैठे डेंटिस्ट बनाओ और कमाओ महीने के 20,000। आजमाओ अपना हुनर अपने दोस्तों पर। तड़क तुड़ुक। हैरी, चलो एक कुत्ता खरीदते हैं। लंबे सिल्की बालों वाला प्यारा सा कुत्ता। हैरी, लंबे सिल्की बाल वाला प्यार? 80 लाख। 80 लाख? 80 लाख कुत्ते? नहीं नहीं हैरी, 80 लाख रुपए। 80 लाख रुपए का कुत्ता मीना? व्हाट? नहीं नहीं हैरी, कुत्ते की कीमत तो 8,000, मैक्सिमम 10,000, बट हु केयर्स। मीना, मीना, लाइफ मीना, बन गई हरी, लाइफ बन गई। तुम ठीक तो हो ना? रोज स्पेशल शैम्पू से नहलाना पड़ेगा। बोतल की कीमत 150 रुपए, तो मतलब महीने के 4,500 रुपए। मैं बचपन से चाहती थी कि मेरे पास। मीना, 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 तुम क्या कह रही हो? मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। हरी, यू डोंट अंडरस्टैंड, वी आर रिच हरी, हमें 80 लाख रुपए कमाए हैं हरी, 40 तुम्हारे और 40 मेरे हरी, वी आर सो रिच नाउ हरी, वी आर सो रिच, लेट्स सेलिब्रेट हरी। देखो देखो ये लड़की, टॉक ऑफ द टाउन। देखो देखो ये लड़की, टॉक ऑफ द मैं लड़की हूँ कमाल। मैं लड़की हूँ कमाल। मैं लड़की हूँ धमाल। मेरा एक इशारा कंगाल भी मालामाल। दोस्तों की दिवाली, दुश्मनों का दिवाला। जादू भरी है हर अदा, सबसे अलग सबसे जुदा। सारे बन्ने पीछे रह गए, एक सोनी कुड़ी जा गई। देखो देखो ये लड़की, टॉक ऑफ द टाउन। देखो देखो ये लड़की, टॉक ऑफ द टाउन। मेरा ही बोल।
लड़की टॉक ऑफ द टाउन। देखो देखो ये लड़की टॉक ऑफ द टाउन। मैं लड़की हूँ कमाल, चांदी चांदी कर दूं किसी की छुट्टी में, सारे का सारा शेयर बाजार मेरी मुट्ठी में, पलक झपकते खोल दूं, बंद किस्मत का मैं ताला, मेरा ही बोले बाला। देखो देखो ये लड़की talk of the town। मैं लड़की हूँ कमाल, मैं लड़की हूँ कमाल, मैं लड़की हूँ धमाल, मेरा एक इशारा कंगाल भी माला माल, दोस्तों की दिवाली दुश्मनों का दिवाला, जादू भरी है हर अदा, सबसे अलग सबसे जुदा। She's the talk of the town. Yeah. स्टील का भाव नीचे में जा रहा है, इधर से निकला था उधर जा रहा है, नीचे जा रहा। अरे सर चुप चुप करो रे तुम लोग, अरे आवाज, हम क्या बोल रहा हूँ सुनने में आ रहा है नीचे, क्या आपको सुनाई नहीं दे रहा है, हमको भी सुनाई दे नहीं रहा है, अरे चुप करो रे, बाद में फोन करता हूँ। 20 ओके 20 और राम 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 राम। भगवान मेहता ने सर कुछ दिया अपन, टाटा स्टील में फोन जल्दी। मेहता हम आपके पार्टनर की हैसियत से बोल रहे हैं। रतन मेहता हमें स्टील में और पैसे नहीं डालने हैं। मेहता हाँ खरीद लो, जितना खरीद सकते हो खरीदो तुम। देखिए हमें लग रहा है ये बिल्कुल ठीक नहीं है। मेहता हम और स्टील नहीं खरीदेंगे, साफ दिख रहा है कि स्टील का मार्केट गिर रहा है। मेहता स्टील घुस चुका है। मेहता बापू बर्बाद करी डॉक्टरों। बर्बाद तो तुम हो ही चुके हो, इस वक्त तुम्हें कोई बचा सकता है तो वो है स्टील, जस्ट स्टील, नथिंग एल्स। क्या आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मेहता मारा पोता ना 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 बच्चा पंचे। देखिए देखिए मैंने कहा ना आपसे, वो बहुत बिजी हैं, मैं उन्हें आपका मैसेज दे दूंगी। पर अब ओके ऑलराइट। क्या तकलीफ है तुम्हें हैं? डायरेक्ट तो जाओ यहाँ से ना, हार्ट फेल हो जाएगा तुम्हारा, जाओ यहाँ से। 20 और या हैंड पुट मी द मैरी लिंच। मैरी लिंच हाँ 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 अमेरिका राइट सर। वो फोन मिसेस मेहता के लॉयर मिस्टर श्याम जेठमलानी का था। 30 और खरीदो। उसे क्या चाहिए? 20 और 20 और उनको नहीं आपकी बीवी को चाहिए, डिवोर्स। डिवोर्स पागल है। 10 और 10 और 10 और हाँ वैसे तो मॉल नॉर्मल लाइफस्टाइल रॉक का लव दिस विली शॉपिंग करके मजा आया। व्हाट फन, मैं तो शॉपिंग करके एकदम फ्रेश हो जाती हूं। किस्मत का उलट पर, किस्मत का उलट पर, ले लो भाई ले लो भाई ले लो भाई, इतिहास का सबसे बड़ा मार्केट क्रैश, ले लो भाई ले लो भाई ले लो। मेहता कंपनी का दीवाला, मेहता कंपनी का दीवाला। लगता है डायरेक्टर कुछ नया घोटाला कर रहा है। ए बलबी आया मैडम, मैं तो भूल गया तुम्हें, इतना ही डाक्यूमेंट मुझे दीजिए, पता भी नहीं है। ये पकड़ो, ये भी लो, ये भी लो। हां दीवाला, मेहता कंपनी का दीवाला। ए छोटे एक मिनट तो दे यार, वैसे तू इतना शेयर बाजार के बारे में कैसे जानता है यार? जनरल नॉलेज साहब। अच्छा एक सेकंड, हेलो यार सिक्का तो नहीं? ए पेपर दिखा रहे साहब, मेहता एंड कंपनी जो कि 50 सालों से भी ज्यादा। ए ए ऑटो कहां मिलेगा? ए सो तो ना तू जल्दी जल्दी जल्दी, कम ऑन 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 कम
चले मेरे को पैसे दे जान, चल पकड़ पकड़। अरे पकड़ पकड़ क्या कर रहा है, पकड़ ना मेरे को। अरे चले सुन, सर चट्टोपाध्याय। हेलो दीपंकर, कहो भाई। सब गड़बड़ हो गया, लगता है पूरा कंट्री सेल कर रहा है। देखो तुम्हारा इसमें क्या कसूर है दीपंकर? कुछ नहीं कर सकता हूँ। कूल डाउन, जो कुछ होना था हो गया, अब तुम क्यों खामखा? कुछ नहीं कर सकता, कर सकता हूँ। ये क्लिप क्यों लगा है? क्लिप निकाल सकता हूँ, निकाल जा। अरे बाल के साथ खाल भी चला गया। हेलो, दस और, दस और। अरे क्या हुआ? कैंसिल करो। कैंसिल, थैंक गॉड। तुम लोगों को भूख लगी हुई, जाओ कुछ खा कर आ जाओ। जाओ खा के आओ। ओके चलो चलो चलो। ले ले जी सर, तुम भी जाओ कुछ खा के आ जाओ। यस सर। और मेरे लिए वो बटाटा वड़ा या कुछ काफी भेज दो। यस सर। सर सर, आप और बटाटा वड़ा, इससे कुछ सस्ता हो तो वो भेज दो। सर मैं भिजवाती हूँ। सर कैलकुलेशन में मार खा गया मेहता, तो ऊपर वाले को यही मंजूर था। हिम्मत रख, उसने बिगाड़ा है तो वो ठीक भी करेगा, ठीक करेगा, जरूर ठीक हो जाएगा। आगे ले ली, रख दो टेबल पे, रख दो पटाठा पड़ा। हसू हसू डार्लिंग, मुझे माफ कर देना प्लीज, मुझे माफ कर देना। कुकी, तू आगे कुकी, मुझे यकीन था तुम जरूर आओगी। दुख दर्द की घड़ी में पत्नी ही काम आती है। पर रो नहीं, रो नहीं कोकी, सब ठीक हो जाएगा। रोने से जो कुछ गया वापस तो नहीं आ जाएगा। डोंट वरी हसू डार्लिंग, मैं मैनेज कर लूंगी। मैनेज? दो गाड़ियों और एक ड्राइवर के साथ मैनेज कर लूंगी। और हसू डार्लिंग, मैं ब्यूटी पार्लर रोज नहीं जाऊंगी, एक दिन छोड़ के एक दिन जाऊंगी, चलेगा? कोकी, मेरे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी कर रही हो तुम? मैं रो पड़ूंगा, मुझे रोना आ गया कोकी। रोना मत डालिंग, प्लीज रोना। नहीं रोता। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। मुझे यकीन है डार्लिंग, लेकिन और कुछ मत कहना। वो जो होटल रफ्शन जाने में वो लड़की से जो हुआ था ना, मैं वो भी माफ कर दूंगी। हाँ देखो को, तुम्हारे लिए। एक तो तुम मुझे छोड़कर चली गई, वो घर काटने को दौड़ रहा था, मेरा दम घुट रहा था, अब मैं मरता क्या ना करता, मैं चला गया रफ्शन जानी होटल। जाने दो, जाने दो ना ये बात, आफ्टर ऑल तुम इतने हैंडसम हो ना। मैं पहले जैसे फटाकड़ी नहीं रही। मैं क्या करूं? क्या बात करती है, तू तो सुंदर है, तू तो पटाखड़ी की पटाखड़ी है, मेरी मधुबाला है, मेरी हिलार कली है। तो क्या हुआ, तुम्हारा पैर फिसल गया? तो इसमें तुम्हारा क्या दोष है? हाँ बोलो। पैर तो कभी नहीं फिसला। हंसू आओ आओ, अली कुली खान मेरे शहजादे, तुम भी आओ। हाय मॉम। हेलो डैड। मारो टिकरो। कोकिला के कपूत आ गए बाप की बर्बादी की खबर सुनकर। हाँ कितना धन कमा कर लाया मेरे लिए। डैड क्या मैं कुछ कर सकता हूँ? क्यों नहीं बेटे, बहुत कुछ कर सकते हो। एक काम करो तुम, इंस्टॉलमेंट पर 5-6 सेकंड हैंड BMW खरीद लो। हसू इतना कठोर मत बनो। और कर ही क्या सकते हैं मेरे बच्चों। I'm so sorry, मैं आपको बगैर बताए घर छोड़ के चला गया। क्या तुम घर छोड़ कर चले गए? हाँ मतलब तुम्हें डैड और मेरे बारे में मालूम? कितना ख्याल रखते हैं माँ बेटे एक दूसरे का। कहाँ थे रात भर? होटल रफ्सन जानी। लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, क्या करेंगे कुछ राइट, सामने से हाथों यार। या मौला रिलैक्स रिलैक्स। या करीम, या अली, ये सब कुछ बराबर चलते थे, ये अचानक क्या हो गए? तुम फिक्र क्या करते सर, तूफान जितना तेज चलता है उतना जल्दी ढल जाता है सर। रामलिंगम तुम ये वेदर रिपोर्ट मत दो हमको, अभी आगे क्या करने के हैं सोचो। हे टॉमी। हेलो मिस्टर रफ्सनजानी। आप आज के अखबार पढ़े? सिर्फ हेडलाइंस पढ़ी, सुबह से मुझे टाइम ही नहीं मिला। ओके ओके, वो इसमें लिखे है कि आपके वो जो फ्रेंड है वो दिवाली निकाल सकते, और अगर उसके दिवाली निकलेंगे
तो हम बर्बाद हो जाएंगे। मतलब बर्बाद मैडम। यू मीन आपका होटल प्रॉब्लम में है? मैडम अगर उसका किस्मत फूटेगी तो हमारा ये होटल भी टूटेगा, समझे? किसका किस्मत फूट रहा है? ओह मैडम भोले मत बनो, प्लीज भोले मत बनो, इधर कोई भी नहीं सुनते। वो आपके फ्रेंड, वो जो आपको डायमंड दिए। डायमंड्स? कैसे डायमंड्स? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आप बहुत हो गए। वो आप जब हमारे होटल में आए थे तो गले में क्या पहने थे? प्लास्टिक? वो हीरे थोड़ी थे, वो तो नीलम थे, सैफायर। नीलम? नीलम? देखो मैडम, आप बहुत डरा में हो गए। देखिए, अगर आपको मेरी बात का विश्वास नहीं हो रहा है तो पोपली जी से पूछ लीजिए, बताइए इन्हें। आपकी मर्जी है मैडम, आप हीरो के हीरे कह सकती हैं, नीलम कह सकती हैं, मोती कह सकती हैं, आपके जी में आए वो कह सकती हैं। एक मिनट। अभी बोलो, क्या बोलते? अगर ये हीरे हैं तो जरूर उनसे कोई बहुत बड़ी गलती हो गई है। कोई ऐसे ही थोड़ी किसी को इतना कीमती हीरो का हार दे देता है, वो भी किसी अजनबी को। आ? अरे देना तो दूर की बात है, मैं तो सोच भी नहीं सकता। एक मिनट। आप उनका नाम जानते हैं जिन्होंने कल रात को डिनर मंगाने में मेरी हेल्प की थी? मुर्दे शूर, अब बहुत हो गए। देखो, हम आपको हमारे इंपीरियल स्वीट दिए विद वन एग फ्री, वो इसके वास्ते कि आप हसमुख मेहता का नाम भी नहीं जानते। एक मिनट, कहीं तुमने ये तो नहीं सोचा कि मैं उनकी कोई खास दोस्त हूँ? खास दोस्त? और तुम्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने नेकलेस मुझे इसलिए दिया है क्योंकि मैं उनकी उनकी इसमें लगने की क्या बात है? ये तो ओपन सीक्रेट है। सारे मोर तो भी चलो बलबीर, चलो यहाँ से। हमारी गद्दी संभालने वाले हमारे सपूत की भविष्यवाणी सुनी आपने? कहता है आसमां पे बादल हो तो मार्केट नीचे चली जाती है। डैड मैं तो बस मजाक कर रहा था। मजाक? गधेड़े, जिस आदमी के साथ मेहता नाम जुड़ा हुआ है वो इस मार्केट के साथ मजाक नहीं कर सकता। कब कब अकल आएगी तुम्हें? हमारी तो मार्केट ही अफवाहों पर चलती है। कहाँ है वो लड़की? उसे तो मैंने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में छोड़ दिया था। कौन सा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स? से मतलब जो इस रोड पे है। अरे गधेड़े, कौन सी रोड? डैड उस रोड का नाम तो मुझे नहीं मालूम। आपने इसे मेरे लिए पैदा किया था या अपने आप के लिए पैदा किया था? वैसे बेटे मुझे तुमसे कोई उम्मीद तो नहीं, उसका अता पता तो मालूम नहीं, कम से कम उसका नाम ही बता दो। डैड वैसे मैं आपकी उम्मीदें बढ़ाना नहीं चाहता, लेकिन उस लड़की का नाम मीना मधोक है। मीना मधोक जो रफसंजानी होटल में थी। ये बात तो सारा शहर जानता है। आप चुप रहिए जी, वो फोन लगाओ रफसंजानी को। सर आपका फोन। हेलो, हाँ मिस्टर मेहता, यस हमको सब मालूम पड़े, हम क्या बोलेंगे मिस्टर मेहता? आई एम इन अ शॉक। यस, आप अगर बोले कि हम कुछ कर सकते तो प्लीज बताओ। वो लड़की, उसके बात मत करो, वो लड़की एकदम नकली है। वो हमको उल्लू बनाए बोल के कि आपके बेस्ट फ्रेंड है, आपके बहुत करीब है, और ऊपर से हमको आगे पीछे थप्पड़ भी मारे। हाँ, उसको हम निकाल लिए। हम बोले तुम्हारे जैसे लड़की हमारे होटल में नहीं रहेंगे, गो मिशो। हम यस सर। हाँ, वो आप हाँ, क्या हुआ सर? वो गर्ल फ्रेंड थप्पड़ मारते, बॉयफ्रेंड गाली देते, ये जीने का हरम कर दिया हमारे। आई अंडरस्टैंड सर, मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। 1994 फरवरी 14 वडवनूर ग्रामम पालाकाड डिस्ट्रिक्ट, वो लड़की ने मेरे साथ। गेट आउट। ओके सर। युवा मनोहर कहानी है जी? मधुर कहानी है? इज इट मर्सिडीज बेंज शोरूम? मुझे एक गाड़ी का नंबर पूछना है। पेट शॉप यार। अरे खरगोश होते हैं, तोते होते हैं, कुत्ते होते हैं, गोल्डफिश होते हैं, और देखिए आप जो भी हैं, आप जो भी हैं, मैं मेहता बोल रहा हूँ, मुझे मीना चाहिए, वहाँ मीना काम करती है आपको। जी क्या निकाल दिया? क्यों निकाल दिया? आपको कोई मतलब उससे? आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं जी?
उसने तो कहा था कि उसने आपके बारे में सुना भी नहीं है। Okay, hell with you. Hello, is that Khar Police Station? जी मैडम। देखिए क्या मैं इंस्पेक्टर ढांडा, I mean दांडेकर से बात कर सकती हूँ? कोई अर्जेंट काम? Yeah, very urgent, very urgent. आप जानती हैं इसे? सर मैं जानती हूँ। जल्दी बात करो, हाँ। जल्दी बात करो। Hello. Hello, is that इंस्पेक्टर ढांडा? हेलो गोगी। गोगी क्या तुम मेरे लिए एक मर्सिडीज का पता लगा सकते हो? I'm very sorry. देखिए आप समझ नहीं रही हैं, मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। उनसे एक बहुत बड़ी गलती, बहुत एक्सपेंसिव गलती हो गई है। तो आप ऐसा कीजिए, उन्हें एक लेटर लिखकर पोस्ट कर दीजिए और उनका मूड हुआ तो अपनी गलती सुधार लेंगे। देखो मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, अगर तुमने मुझे उनसे नहीं मिलने दिया ना, मैं तुम्हारी नाक तोड़ दूंगी। क्या आप गोल्ड फिश बेचते हो? नहीं तो क्या गधे बेचते हो क्या? सर आप रिपीट करेंगे क्या? JBN क्या? अच्छा अच्छा क्या? कौन आई है यहाँ? वो आई है सर। यस सर। हेलो हेलो मिस्टर मेहता, मिस्टर मेहता मैं मीना मधोक, याद आया? तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ मीना, आज जितनी याद तुम्हारी आ रही है किसी की इतनी याद नहीं आई। देखिए मिस्टर मेहता आपसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, आप शायद नहीं जानते कि वो नीलम का नहीं वो हीरो का हार है और बहुत एक्सपेंसिव है, और जैसे ही मुझे पता चला मैं आपसे फौरन मिलने चली आई। मीना तुम कहाँ हो? मैं तो आपके ऑफिस में हूँ मिस्टर मेहता, पर जस्सी की बच्ची मुझे अंदर ही नहीं आने दे रही। जस्सी का? मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ मीना, मैं आ रहा हूँ। हेलो हेलो मिस्टर मेहता, लाइन को क्या हुआ? अभी कर देते हैं। आपके ऑफिस में टेलीफोन है? जी नहीं, हम छत पर खड़े होकर चिल्लाते हैं मैं नौकरी दो, चलिए अंदर फोन है कैबिन में। कोकी को शक है कि चक्कर है दोनों में। चलो 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 अंदर चलो। टॉमी 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 क्या नाम था उसका? देखा ना? ना गंगा अजमेर, इट्स सो कंफ्यूजिंग। सांगा नेरिया तेरी माँ को हो जाए मलेरिया। चलो ना चल फोन कर दे। सर आपके लिए वो मैडम का फोन है। हेलो हेलो मिस्टर सांगनेरिया। हाँ मैं बोल रहा हूँ। मैं बोल रही हूँ स्टील का भाव ऊपर जा रहा है। क्या ऊपर? हे भगवान, क्या सच बात है? तो फिर मैं अभी से कवर करना शुरू करता हूँ। हाँ और जितने हो सके उतने ही कवर लगाना, क्योंकि पुल समझ गए ना? हे भगवान, are you sure? बिल्कुल। Dog? Not to you, just talking to my dog. और आपकी all over India में जितनी भी branches हैं, उन सब में ये information समझ गए ना? हाँ। Bye. Done. पर लगता नहीं मुझे कि बात बनेगी। हाँ, पर सुबह aluminium में तो पड़ा था। Aluminium में? हाँ। हटो। Ouch. किधर है वो? How do you know that? उठ रहा है। कौन सा वाला? ये ऊपर वाला। दुकानदार को बुलाओ जल्दी। वो सलून में है सर। उरी बाबा, की गंडगोल। ये साला हमरा जिंदगी का सबसे अजीब दिन है। सुबह से हम आधा हेयर कट में घूम रहा हूँ। अच्छा। और हमरा बाल भी वो काट रहा है जो जिंदगी भर अपना बाल नहीं कटवाया है। दीपांकर साहब, मेहता साहब ने आपको बुलाया है। सर सर, मेहता साहब ने आपको बुलाया है। सर मैं डगलू। डगलू मेहता बुलाया? पूरी बाबा मेहता हमको जब करता है बोला चश्मा की तरह है। ओरी बाबा, अरे मेहता हमको समझ कर क्या कुत्ता है? क्या कुत्ता है हम? अरे तुम नहीं बोला? ओरे मेहता मेहता बोलता हूँ मेहता, अपन चौकस भिखारी बना उठे। आप सभी को मेहता साहब ने तुरंत बुलाया है। क्या
अच्छा खरीदो 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 सब खरीदो खरीदो जाओ 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 खरीदो खरीदो ना अरे ये मेहता साहब ने पर्ची भेजी है बाबा तुमरा मुंह में घी शक्कर आंख में खरीद लो अरे छोड़ने चल ले 20 और खरीद लो यस सर 20 और खरीद लो साला माल बेचने का टाइम आ गया है और ये खरीद रहा है अरे बंदर लोग भाव ऊपर तो जाने दो अगला पिछला सब बराबर कर दूंगा चलो टॉमी 50 ले लो मेहता हेलो तुमसे बात करने का मौका ही नहीं मिला टॉमी कम यहां मेरी मॉम नमस्ते बहुत खुशी हुई तुमसे मिलकर बहुत खूबसूरत है ये नेकलेस तुम्हारा सुंदर है ना मैं समझती थी ये नीलम है पर ये तो हीरो का निकला मुझे लगता है मिस्टर मेहता से जरूर कुछ भूल हुई है जो इतना कीमती हार मुझे दे दिया यू नो भूल तो हो गई उनसे लेकिन मैंने उन्हें माफ कर दिया तुमने तो कहा था कि तुम मेरे डैड को नहीं जानती ना 62 मुझे नहीं मालूम था कि yes. जब तुमने मुझसे पूछा कि तुम मिस्टर मेहता को जानती हो तो मैंने ना कहा क्योंकि क्या क्या तुम ये क्या ओह नो आप समझी तुमने यही सोचा होगा इसीलिए तो मिसेस मेहता मैं समझ सकती हूँ मिसेस मेहता आप पर क्या बीत रही है अगर मैं किसी आदमी से प्यार करती और उसका नाम ऐसे किसी के साथ जुड़ जाता तो मुझे भी बहुत पर मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि ये लड़का जिसके साथ मैंने कल सारा वक्त गुजारा जिसने मेरे टेलीफोन कॉल्स अटेंड किए जिसे मैं अपना दोस्त समझती थी वो इन सब बातों पर कैसे यकीन कर सकता है हैरी क्या मैं तुम्हें ऐसी वैसी लड़की लगती हूँ सबने ऐसा सोचा ठीक है पर तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो हैरी यू आर माय बेस्ट फ्रेंड 67 क्या चिलमचिली हो रही है देखो कितना उठ रहा है देखो ये आपका नेकलेस और मुझे उम्मीद है आप अपने बेटे को समझा देंगे कि मैं अजनबियों से हीरे नहीं लेती कम टॉमी लेट्स गो टॉमी मीना कहाँ जा रही हो अब क्या हुआ अगर मुझे ये सब नहीं संभालना होता तो मैं उसे भी संभाल लेता बेचेंगे अरे बेचेंगे ना अभी उठ लेते तो पहले जल्दी जल्दी जाओ उसे वापस लाओ अगर वापस नहीं लाया ना मैं तेरी ऐसी तैसी कर दूंगा जाओ ठीक कर दूंगा हाँ चलो जल्दी हरी जल्दी जाओ बेटा लेकिन बेचना कब शुरू करोगे मेहता लेंगे अभी तो उठ रहा है हे भगवान क्या मैं बेवकूफ हूँ या बहुत बड़ा बेवकूफ हूँ टॉमी टॉमी चलो चलो अंदर टॉमी अंदर बैठो हेलो जूनियर आप ईद का चांद के मौके किधर गायब हो गए थे अरे इधर ही तो था मैं वो हमारे होटल में एकदम भरा हुआ है वो फिल्म स्टार से लेके पपी स्टार वो पॉलिटिशियन से लेके भाई लोग सब हमारा होटल में रहता है हम तुम्हारा फादर को बोलने आया किधर है मिस्टर मेहता किधर है अरे वो उधर ही तो थे कल वो क्या बोलती अरे मैं भी उधर ही था अस्तगफरुल्लाह वो बाप और बेटे दोनों साथ में रुक रुक लेकिन आप मुझे क्यों अरेस्ट कर रहे हैं मैंने क्या किया है आप मुझे ऐसे अरेस्ट नहीं कर सकते मैं बोल रही हूँ आपको अरेस्ट नहीं कर सकते अरे छोरी मैंने तो अरेस्ट कर लिया पुलिस किस लिए मैं भी तो वही सोच रहा हूँ ये तो इंस्पेक्टर ढांडा है मैं जल्दी में उसे बताना ही भूल गई कि मिस मीना मधोक मिल चुकी है ओह माय गॉड 31 साल 4 महीने और 25 दिन में मैं पहली बार कुछ भूल गई होता है एक्साइटमेंट में ऐसा होता है ये क्या नाम लिया ढांडा ये ढांडा कौन सर वैसे तो उसका नाम इंस्पेक्टर गोगी ढांडा है लेकिन महाराष्ट्र पुलिस ज्वाइन करने के लिए उसने अपना नाम ढांडा से डांडे कर लिया है अरे वाह रे इंसान नौकरी और छोकरी के लिए कुछ भी कर सकता है ना। राइट सर ये जाट घाटी हो गया नौकरी के लिए
चलो जल्दी नीचे आ जाओ। अरे ये लोग मुझे अरेस्ट कर रहे हैं, तुम इन लोगों को बोलो मैंने कुछ नहीं किया। वो जो नेकलेस, इधर कौन है मेहता? वो इधर ही तो कह रहे हैं। क्या बात है इंस्पेक्टर, क्या हो गया? सब ठीक भाई साहब, इतना बताना मैंने, इधर असली मेहता कौन सा है? वैसे तो हम दोनों हैं, आपको कौन सा चाहिए? अरे मर जाने, तने समझ में कौन आती? इस छोरी की डिमांड किसने की थी? मैंने की थी। तूने की थी? मैंने तो कुछ कंफ्यूजन लगा है। कंफ्यूजन था छोटा सा। नहीं नहीं हरी, बहुत बड़ा कंफ्यूजन था, बहुत बड़ा कंफ्यूजन। क्या बात है, हम लोग पुलिस को क्या? गोगी, ओह गोगी, आखिर हम मिल ही गए। तीन साल बाद। तीन साल, चार महीने और 25 दिन। यस स्वीट हार्ट। बेटा बेटा, अरे संभाल के। 105। ए 50 बेचो। अरे कोकी मारो गधेड़ो, तो स्टॉक ब्रोकर थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मुझे मेरा हार मिल गया। ये हार मुझे दो जरा, ये सब कुछ इस हार की वजह से हुआ। या अली मदद, केस में धोखा झांसा झूठ झूठ बाय हुक और बाय क्रूक लूट, पैसों के लिए लोग लफड़े करते हैं। जिसके सर दौलत का ताज, उसके चर्चे उसका राज, यहाँ लोग धन की माला जपते हैं। बस फायदा अपना, चाहे दूसरों का हो घाटा, गड़बड़ गफला गोलमाल घोटाला। ये शॉर्टकट का रास्ता, ले हर कमाने वाला, गड़बड़ गफला गोलमाल घोटाला। ऐसे वैसे जैसे तैसे दुनिया कमाए पैसे, ऐसे वैसे जैसे तैसे दुनिया कमाए पैसे।